लेकिन जैसे बात की जाए तो किशन टोली जैसे कि कच्छ एक मास्टर माने जाते हैं, उन्होंने आते ही 14 गेंदों को उनका आंकड़ा अभी रन रेट 400 की स्ट्राइक के ऊपर से खेला थे, 51 रन की पारी यहां पे खेली थी। आज यहां पे क्या करते हैं वो देखने वाले जी नजर रहेगी। और पहले तो रणभूमि में आए हैं तो पहले तो प्रणाम करके कमेंट्री की शुरुआत करते हैं। जब ये धरा पर आए तो हम भी पवित्र हो गए, भूदेवों की रणभूमि पे बना रहे हैं, सभी को हमारा प्रणाम। और सुराणा ने ये करीबन पांचवा चौथा भव्य टूर्नामेंट, चार बार ये चौथी बार भव्य टूर्नामेंट का आयोजन एक ही गांव में सक्सेसफुल टूर्नामेंट। और भूदेव की रणभूमि व्याज टूर्नामेंट का जो फाइनल खेला जाएगा चौथा सीजन है दिनों बाद। आपने सही पता कि सन 2011 के अंदर जैसे की बात की जाती है यहाँ पे आज थुमड़ी जो स्थान माना जाता है, जब सन 2011 के अंदर दो स्थान ऐसा नहीं था, लेकिन सन 2011 के अंदर पहले जब हम कॉमेंट्री करने के लिए पहुंचे थे इतनी सुधार तब ऐसा जिसके बाद भी जाते जंगल जैसा माहौल था, लेकिन सुवर्णवासियों ने वो काम कर दिखाया है, एक बहुत ही अच्छा माए के धाम के ऊपर एक बहुत अच्छा जो धाम किया है, तो धन्यवाद उदयों के लिए मैं कहूंगा। भाई आ जाओ, हितेश भाई को रिक्वेस्ट है कि बहुत टाइम हो गया मेरे भाई, दो हाथ जोड़ के बिनती के प्लीज अपने प्लेयर को मैदान में ले आए, टाइम बहुत हो चुका है भैया, फटाफट आ जाओ। हेलो भाई, दियोदर टीम के कप्तान को नंबर गुजारिश की जा रही है कि फील्ड की सजावट करें, मेरे मन क्रिकेट टाइम काफी हो चुका है। धनंजय भाई, बोड़ी भाई, जो भी हो काफी टाइम आपने लिया है, जिसकी किसी का फाइनल न बिगड़े उसके चलते मैं कहूंगा तुरंत फील्ड की सजावट करें। अगर पांच खिलाड़ी है तो फील्ड की सजावट कर दीजिए, क्रिकेट के नियम अनुसार आप पांच के साथ मैच खेल सकते हैं, मेहरबानी करके। बहुत टाइम हो चुका है, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है बराबर चालू करवाए, दूर दूर से गाँव दूर दूर से लोग यहाँ पे बजा रहे हैं, दूर दूर गाँव से सभी आए हुए हमारे सभी मेहमान सभी खिलाड़ी भाई, और सभी को घर जाने में देरी न हो तो मेहरबानी करके अब टीम के कैप्टन को रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान में आ जाए ताकि टाइम न बिगड़े। शानदार भव्य टूर्नामेंट डालू देवी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का पीक फाइनल यहां पे स्टार्ट होने की तैयारी में है। बिल्कुल आपने सही बताया, जैसे उनकी फाइनल मैच यहां पे 12 ओवर का खेला जाएगा, चार गेंदबाज यहां पे पेश करेंगे, एक गेंदबाज के पास तीन तीन ओवर का स्पेल करवा पाएंगे, चार ओवर का जिसके पाप में रहेगा और चार गेंदबाज यहाँ पे तीन तीन ओवर का स्पेल कर पाएंगे। देखा जाता है कि अच्छे तरीके के साथ डिपेंड करना पड़ेगा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। तो मेहरबानी करके डेविड टीम के कप्तान को नंबर गुजारिश की जाए कि फील्ड की सजावट करें, मेहरबानी करके। जल्द से जल्द हम मैच को स्टार्ट करें। और जो यहाँ पे बड़ी बात तो ये है कि जो इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी के दाता तारीफ करों का जयेश भाई, जो जयेश भाई मोदी, ये टूर्नामेंट अच्छा देखा, गाँव अच्छा देखा, तभी स्पॉन्सरशिप उनके द्वारा निरूप आई है। और बड़ी बात है तारीफ करूंगा, बाहर के स्पॉन्सर आपकी टूर्नामेंट कब आते हैं, आपका टूर्नामेंट अच्छा हो, आपका गांव अच्छा हो, तभी एक टूर्नामेंट में विशाल बनता है, और वो सुराणा में सब कुछ देखने को यहां पे मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया, जिसके बाद की जयेश भाई मोदी जहां भी टूर्नामेंट होता है मैं कहूंगा उनके एरिया के अंदर तो खास करके वो टाइटल स्पॉन्सर के रूप में माने जाते हैं जयेश भाई मोदी, उनके साथ ही जिसके बार के जेके भाई, अजीत बाबा, संजय भाई, काफी खिलाड़ी से काफी सर्कल यहाँ पे आज सारा पहुंचा, उनकी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुंचे, क्यों ना पहुंचे, 185 टीमों के अंदर से यहाँ तक पहुंची है। अभी अच्छा टूर्नामेंट, और जो आमंत्रित मेहमान यहाँ पे सभी बधा रहे हैं, जिसमें हरगोवन भाई साहब बधा रहे हैं, और सभी मेहमानों का हार्दिक पूरा सुराणा सरपंच श्री गांव के ऑर्गेनाइजर और पूरा सुराणा गांव हार्दिक स्वागत करता है, आए हुए तमाम मेहमानों का, आए हुए तमाम ऑडियंस का, जहाँ भी दूर दूर से जनता बता रही है, तमाम जनता का हार्दिक स्वागत करते गाँव के सरपंच और पूरा सुराणा गाँव। मैं बल्लेबाज भेजो, क्योंकि 10:15 बज चुके हैं, जल्दी भाई स्पीडर का जल्द से जल्द बराबर चालू करवाए स्पीडर के भैया, बल्लेबाज आ जाए भिड़ी जीत के कैप्टन को रिक्वेस्ट के दोनों बल्लेबाज को भेजे। फाइनल मुकाबला 2023 शानदार आलू देवी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सुराणा था आज का ये लास्ट नाइन लीग फाइनल मेगा फाइनल, और जल्द से जल्द यहाँ पे जयेश भाई मोदी को रिक्वेस्ट है कि अपने दोनों प्राथमिक बल्लेबाज को भेजे, जल्द से जल्द यहाँ पे मैच को स्टार्ट करवाए। दोनों टीमों में मेहमान खिलाड़ी आज फाइनल टूर्नामेंट टूर्नामेंट के फाइनल में हिस्सा बने हुए हैं, तो जल्द से जल्द बल्लेबाज आ जाए, बल्लेबाज फील्डिंग टीम के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंचे। परेश भाई बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे तारीफ करूंगा, चौथी बार एक गांव में चार बार आयोजन सक्सेसफुल टूर्नामेंट, और ये चौथी बार भी भव्य टूर्नामेंट का फाइनल का इनिंग यहाँ पे स्टार्ट होने की तैयारी में है।
या बिल्कुल शानदार ग्रैंड फाइनल स्टार्ट हुआ है। 385 टीमों में से आज दो टीमें बची हैं, या बोधी लोन बिल्डी और टीम देवड़ी लोन दियो दोनों ये निसार मंसूरी यहां पर पहुंच गए। वेलकम भाई, हार्दिक स्वागत है निसार भाई। यहां पे डीके सुपरस्टार का आगमन हुआ है और पूरा टीम यहां पे भाई थोड़ा थोड़ा दूर में स्वभाव के लिए दिखे तने आयोजित मित्रों मैनेजमेंट कमिटी वाला से चक्कर मारो એટલે બધું રેડી થઈ જશે। તમે તમારા કામ માં લાગી જાઓ, આપણે કે અલાઉન્સ પર કરીએ તમે એક ચક્કર મારો એટલે બધું રેડી થઈ જશે। શાનદાર જો કે ટેનિસ લીગ માસ્ટર ફોર નિશાન મંસૂરી ગિલા રાજપૂત ભી પહોંચે હે। શાનદાર તો પ્લેયર કી એન્ટ્રી હુઈ હે જો કે ફિલ્ડિંગ હે ઇતિહાસ પડા શાનદાર ખેલ કે મુકાબલા રહે સામને પી બહોત એન્ગેજ ટીમ હે પાર્ટનર સ્ટાર હે ઉસકે સાથ અગેન્સ્ટ ખેલને વાલા હે તો બડા શાનદાર ગ્રાન્ડ ફાઇનલ રહેગા યા આલુ દેવી રાય ચુરણા કા 2023 કા। બહોત હી या फाइनल जल्द से जल्द 12 ओवर का मैच, 4 ओवर का पार में सभी गेंदबाज तेजी से डालेंगे। बल्लेबाज भेजे फील्डिंग टीम के कैप्टन को गुजारी से गेंद दोनों बल्लेबाज को भेजे। शानदार टूर्नामेंट का आयोजन, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट और फाइनल मुकाबला बिल्कुल स्टार्ट होने की तैयारी में। प्रारंभिक जोड़ी नरेश और अमर ठाकुर की जोड़ी मैदान में पहुंच रही है। हाँ, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज जो की फाइनल में जो कि जासनवाड़ा में नरेश ने अच्छा खेला था, तो वो नरेश धीमे धीमे यहाँ पे बल्लेबाजी में अमर ठाकुर के साथ बल्लेबाजी में पहुंच रहे। सलामी बेहतर मुकाबला देखने को मिलेगा भाई। सभी बहुत हमारे बीके के स्टार प्लेयर, पार्टनर के स्टार प्लेयर यहाँ के खेलने वाले, हमने सब रिप्रेजेंट होने वाली है। कौन सी टीम को टाइटल जीत के जाएगी वो तो समय वक्त तय करेगा 24 दिनों बाद, लेकिन मजा आने वाला सुपर संडे रहेगा आज अलुदेवी नाइट का। जी काफी भी अच्छा, आज अच्छा दिन भी है, पूनम का दिन है, संडे है, सभी आज छुट्टी पर आए होंगे और आज का माहौल है वो भी निशान में दोबारा बना है और हर एक यहाँ पे बहुत बड़ा इनाम है। जयेश भाई फील्डिंग के विजय मालिया उनकी ओर से हर छक्के पर फील्डिंग टीम के बल्लेबाज को 200 रुपए का इनाम। साथ में अजीत बाबा बैठे हुए हैं, पूरा फील्डिंग आया है जयेश मोदी के सपोर्ट में। क्या जितने छक्के बल्लेबाज निकालेंगे हर छक्के पे 200 रुपए फील्डिंग के विजय मालिया जयेश मोदी की ओर से, और जनता को 50 रुपए का इनाम है। एक हाथ से क्या लपकेंगे 50 रुपए का इनाम है। मजा ही मजा सुराना में है आज, खतरनाक मुकाबला, मजेदार शानदार भूदेवों की रणभूमि में मेगा फाइनल स्टार्ट होने की तैयारी में है। दीनू बाजाना नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनको जरा जो सर्विस रेखा के चलते वो थोड़े नर्वस है, वो भी खोलेंगे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा। लेकिन मुकाबला फिर भी शान बनने वाला, मजेदार बनने वाला। और हमारे साथी परेश राय का यहाँ लगातार 1.5 महीना कॉमेंट्री की, बहुत ही बड़ा आयोजन, शानदार टूर्नामेंट, बेनिशान शानदार मुकाबला होने वाला। दोनों टीम के बीच में टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय, और पहला ओवर धनंजय नियोदर के एक शानदार बेहतरीन ऑलराउंडर और बनासकांठा के बेहतरीन ऑलराउंडर में उनकी भी गिनती है। और धनंजय नरेश को गेंद डालेंगे। अगर तीन गेंदों के अंदर 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा जयेश भाई मोदी की ओर से। 1000 रुपए का इनाम जयेश भाई मोदी की ओर से। ये राइटम राउंड अभी करेंगे। बहुत अच्छे के लड़के से बल्ब उनके सलमान जैसे उनकी शॉट की दिशा में इट्स वेरी इलाइट पाथ शॉट एक फीडर गुड एफर्ट टुडे। ओपन नंबर पर स्टार्ट इसकी पहला ओवर के पहुंचे ठीक हमारे कॉमेंट बॉक्स से धनंजय त्रिवेदी। बहुत अच्छे गेंदबाज जी, यहाँ पे इनामों की बहुत सारे हैट्रिक सेक्शन निकाल देते हैं। 1000 रुपए फील्डिंग बल्लेबाजों को दीजिए। इस बार पहला छक्का बनाने के लिए आते नीचे के नाम शानदार कैच और विनोदा बनाने के लिए आते हैं। फिर भी टीम का आउट ओवर वापस नरेश आउट हो गए हैं। बहुत ही अच्छा कैच है कुलदीप बारोल के द्वारा, आउट शानदार विकेट का यह नरेश है। चूंकि डिसीजन में बल्लेबाज को चल रही है पहली दूसरी गेंद में डीप लॉन्गर के ऊपर, यहाँ कुलदीप बारोल के द्वारा बड़ा शानदार कैच और पहला ब्रेक क्यों मिला है क्योंकि इतनी 4 ओवर का पावर प्ले सर्कल रहता है या पहली ओवर की सेकंड बॉल पे विकेट मिला है तो 12 ओवर का फाइनल है। करीबन 170-180 के करीब जाना पड़ेगा। वो भी नरेश का विकेट बहुत बड़ा विकेट है, मैं तारीफें करूंगा और कुलदीप ने निगाह जमा करेगी। बहुत ही बढ़िया गेम लगता और आउट होकर वापस गए हैं नरेश बिना खाता खोले तो बड़ी सफलता दिनों का हाथ लगी है पहले ओवर में। और परेश यादव पहले ओवर में आप बल्लेबाज गेंदबाज को विकेट मिल जाए तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस आसमान को छू जाता है।
बिल्कुल यहाँ से जो उनकी जो 24 गेंदे हैं उसमें अलग निकल आ जाएगा बहुत ही शानदार गेंदबाजी और वो भी हमारा लोकल सही बोला लोकल बॉय यहाँ दियोदर शानदार शुरुआत इनिशियल गेंदबाजी और भाई दिलीप मैंडिस ने बल्लेबाज के रूप में दिलीप मैंडिस का बल्लेबाजी में आगमन हुआ तो बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे लगता है और इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है या इनिशियल मैंडिस का या एक दफा है 85 बने 3 रन शतक लगा चुके हैं बेहतर पारी खेली इस ग्राउंड के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस बेहतर गेंदबाजी हमारे डीजे अमृतपाली बाबे सामने कर गया मैंडिस जो कि ऑफसाइड का फील्ड कर में गली पाकुर पॉइंट फॉर एक्स कवर मिड ऑफ द ऑफसाइड का फील्ड मिड विकेट सीमा रेखा के नजदीक एक्स कवर बाउंड्री पे दोबारा गेंद दिया can see the other part beautiful and magnificent मेहमानों के स्वागत के लिए भेजा है और 6 रन जैसे ऊपर बॉल मिली थी और सभी हमारे मेहमान बैठे वहीं पे बॉल आ गिरा और इन सिक्सर के साथ आकाश होता हुआ और दिलीप मैंडिस 200 रुपए जीत चुके हैं क्योंकि जयेश भाई की ओर से हर छक्के पर 200 रुपए का इनाम है फिर भी बैट्समैनों को शानदार बल्लेबाजी 6 अच्छी शुरुआत रटार ने ओवर किया सीधा बल्ले से बंद के तरह सीधा सीमा रेखा के बाहर टीम का स्पिन लापता 6 एक विकेट के नुकसान पे शानदार बल्लेबाजी फिर से शानदार गेंद और लो फुल पास यॉर्कर गेंद लाएगा शॉट एक्स्ट्रा कवर हिसाब में भाई योगेश ने गेंद को रोका योगेश बोरी गेंद को पुल करे बेहतरीन शुरुआत डीजे के द्वारा सिक्सर खाने के बाद लाजवाब वापसी 6 एक विकेट के नुकसान पे यह सीधा शॉट एक्स्ट्रा कवर हिसाब में गिरा फिर से डीजे बोले कहां पर और दबाव आया है पहले शुरुआती 2 चौके लगे हैं हरीश भाई अच्छी शुरुआत है डीजे के द्वारा 5 गेंदे 6 रन और 2 विकेट आउट होकर वापस गए मालका के पदी शानदार गेंदबाजी और धनंजय त्रिवेदी के द्वारा और 77 वो यहां आज बल्लेबाजी में नहीं चले तो यहां गेंदबाजी में वसूल किया है 2 बड़े विकेट लेकर या क्या जबरदस्त स्टार्ट लेकर दिया दिया या डेविड ने दिए उधर को पर इससे बेहतर स्टार्ट क्या हो सकता है फाइनल में सराहना की अदूरी रन के पीछे छोटे बल्कि रन पर रणभूमि पर खुद भी कमाल कर रहा है शानदार बहुत ही अच्छा गेंद यहां पे धनंजय भूदेव की रन भी अच्छी शुरुआत यहाँ पे कमाल की गेंदबाजी कुछ उमंग बनाए कुछ रुक रुक चल रहा है कुलदीप पारोद कुछ सलाह मशवरा कर रहे डीजे से पहले ओवर में अच्छी शुरुआत डीजे के द्वारा 2 विकेट पहला ओवर अभी प्रगति में 6 के स्कोर में 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए हैं फिर से धनंजय शानदार गेंदबाजी यहाँ डीजे के द्वारा कमाल का स्टार्ट दिया है 6 रन के स्कोर पर 2 बड़ी विकेट पहले नरेश और इसके बाद मैंडिस को चलते मैंडिस ने उनका विकेट झटका है जल्दबाजी में 2 विकेट गवाए हैं वो निश्चित तौर पर थोड़ा प्रेशर ले आए 2 झटके लगे हैं और अब दूसरे ओवर की शुरुआत यहां हो रही है गेंदबाजी में वसी ने और शानदार कमाल का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है दोनों टीमों लोग यूट्यूब चैनलों को लाइक शेयर और बेल के आइकन को दबाना न भूलें बलिदान क्रिकेट क्लब कपूर सिंह और जेके ऑफिशियल यूट्यूब जे जिगर ठाकुर के द्वारा तो दोनों चैनलों के ऊपर लाइव चल रहा है आज का ग्रैंड फाइनल सुरना 2022-23 का निकुल गेंदबाजी में पर मैन गली बैकवर्ड पॉइंट फॉर एक्स कवर मिड ऑफ द ऑफसाइड का फील्ड लॉन्ग बॉल बाउंड्री पे कुलदीप पारोद और राहुल जो कि डीप मिड विकेट के सामने 2 फील्डर सीमा रेखे के नजदीक रखे हैं अब सामना करेंगे अमर ठाकुर निकुल राइट आउट ओवर
आज शानदार गेम गेंदबाज बल्ले लगाने के साथ पॉइंट की दिशा में शानदार शुरुआत हुई है। अरे बल्ले से मिड विकेट के ऊपर लपेटने की कोशिश किया, सीधा पांव पे टकराने के साथ कवर पॉइंट की दिशा में किया। सेकंड ओवर की शुरुआत पर इसमें 4 ओवर का पार्ट में है 12 ओवर का मैच। यह बिल्कुल ठीक स्कोर पे 2 विकेट है या कबाली का गेंदबाज बिल्कुल दोबारा अपनी बारी पे सामने करी गया। हमें ठाकुर की गेंद अच्छा शॉट था लेकिन फील्डर मौजूद है, शानदार कड़क शॉट जरूर था लेकिन थोड़ा गैप होता तो आउट फील्ड बहुत इस ग्राउंड का रोकना मुश्किल रहता लेकिन बहुत ही चेपर डाली है, बहुत ही चपेट देखी शानदार तरीके से रोका है योगेश ने। योगेश बोली फ्रॉम दी ओनर, शानदार फील्डिंग बेहतरीन कवरदार कमा कमा के दर्शकों का, लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिली योगेश व्यास के द्वारा। फिर शर्मा गेंदबाजी में निकुल लाइन पर शॉट मारने की दिशा में गेंद को फील्ड करेंगे और बॉल बॉल सही शुरुआत इसी ओवर से बेहतरीन गेंदबाजी, 3 गेंदे बहुत अच्छी डाली है। अब ठाकुर साइकर को शुरुआत ही 2 झटके लगे भाई, थोड़ा प्रेशर है परेश भाई। या बिल्कुल शानदार गेंदबाजी स्टार्ट की पहली ओवर में 2 विकेट आने के बाद थोड़ा प्रेशर रहता है, ग्रैंड फाइनल है उसका भी थोड़ा प्रेशर रहता है लेकिन कमाल का स्टार्ट या फील्डिंग साइड के द्वारा दोबारा पीछे गया और एक बेहतर शॉट लेकिन फील्डर मौजूद है, सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन है, खतरे वाला रन था तो अगर कुछ थोड़े पीछे रहेंगे तो जरूरत नहीं है, इस पहले वैसे भी दो टीम 2 विकेट जा चुके हैं। इसकी रन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राहुल तेजी के साथ गेंद बना रहे थे, 7 रन डाउन द लेग साइड बॉल गए इस बॉल काउंट में मिड विकेट काउंट में जीते प्रो बॉल ने भी फर्स्ट शॉट ठीक ही सिंगल 7 लॉस ऑफ फ्यू नो नंबर सेकंड रनिंग लेग स्टंप पर बॉल था तो नहीं बल्लेबाज ने अपना स्कोर पूरा किया, टीम का स्कोर जा पहुंचा 7 रन पर काफी संख्या में जहां नजर पहुंच रही है। चप्पा चप्पा भरा हुआ परेश भाई, कहीं दिल देखने की जगह नहीं है, करीबन 20 से 25 हजार दर्शकों से सारा स्टेडियम खच भरा हुआ है, काफी संख्या में काफी मात्रा में जितनी तारीफ करने का सुना ना कि 4 बार एक गांव में टूर्नामेंट भव्य हो रहा और सक्सेसफुल हो रहा, वो भूदेव की गर्भ भूमि पर एक दो करने के बाद पता चल जाएगा 4th टूर्नामेंट सक्सेसफुल होने की तैयारी में है, तारीफ करूंगा। बिल्कुल दोबारा भी शेयर निकुल अपने बॉलिंग का भेद सब नगर की दिलीप 4 रन को विकेट किया दोबारा भी सीखे दिया दिलीप की नीचे फील्डर और एक और ब्रोकर दिया बिल्कुल ना खुश है फील्डिंग में, विशाल बारोड भी ना खुश है और होना भी चाहिए और वो भी धनंजय जैसे फील्डर की आदत है छूने दबाव प्रेशर ऑफ स्टंप की बॉल दी गेंद के पीछे गए उड़ाने की कोशिश जो इनफील्ड है उनको क्लियर करने की कोशिश की थी और क्या छूटा करने के हाथों से जीवन सिंपल कैच मिस नाउ बैकवर्ड पॉइंट 8 लॉस ऑफ फ्यू आउट ओवर नंबर सेकंड रनिंग अगेन बॉलिंग नाउ वाई चाम फॉर द गेट सुपर शिक्षण निकाली है 14-2 विकेट का कमाल का शॉट यह थोड़ा प्रेशर डाउन किया है 6 रन के साथ क्योंकि 2 विकेट गई थी और जैसे आप बड़ा शॉट खेलेंगे तो प्रेशर डाउन होता है यहाँ पर 6 ओवर में 14 रन यहाँ पे जीत बनाए हैं, अच्छी शुरुआत जो कि फील्डिंग टीम की है लेकिन सिक्सर खाने के बाद यानी सिक्सर निकलने के बाद थोड़ी सी वापसी करी है बैटिंग टीम ने, यहाँ पे शानदार छक्का डाला था घुटना देगा मिड विकेट के ऊपर लपेट के मारा था थोड़ा अच्छे कमाल की बल्लेबाजी तारीफ करूंगा बल्लेबाजी जो किया छोड़ा वो कितना भारी बनेगा वो आने वाला वक्त बताएगा टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 रनों पे कमाल की बाउंड्री24 के लिए 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया दिया
और एक और रिवर्स का प्रयास था चूंकि इस्तीफा रणवीर को जगह दी 24 जो भी किया ओवर नंबर 3 चल रहा है इसके बाद आखिरी पॉपलेक ओवर बचेगा 21 लेकिन यह थोड़ा प्रेशर डाउन किया है इस ओवर के अंदर या एक सिक्सर लगाकर या दिलीप ने तारीफ करूंगा फिर से डीजे बहुत अच्छी जन अब आपसी डीजे के द्वारा बाहर बैठी हुई जनता एक हाथ से गेंद लगेंगे तो 50 रुपए का इनाम भी है अंदर बल्लेबाज सिक्सर निकालेंगे बाहर जनता गेंद पकड़ेगी बैट्समैन को 200 जनता को 50 शानदार इनाम रखा है 25 24 पे दो बल्लेबाज आउट तीसरा ओवर चल रहा है बल्लेबाज चल पड़ा आउट तीसरा करारा करके आउट हो गए हैं बल्लेबाज शानदार गेंद विकेट का बदल नए बल्लेबाज गुरु में टेनिस सुपर स्टार बिलाल राजपूत का बल्लेबाजी में आगमन बिलाल राजपूत बल्लेबाजी में नए बल्लेबाज में बिलाल आ रहे हैं तो विकेट का पतन ऑफ स्टंप पर आ गए थे फाइनल के ऊपर से निकालने की कोशिश दिलीप आउट होकर लौटे हैं 24 में तीन बल्लेबाज आउट विकेट का पतन आउट होकर वापस गए हैं तीन बल्लेबाज और आउट हो गए तीनों विकेट डीजे के नाम है क्या जबरदस्त गेंदबाजी कमाल का गेंदबाजी बहुत धन्यवाद त्रिवेदी जिन्होंने किया जरूर छोड़ा है लेकिन एक और विकेट लेने को कामयाब रहे 24 के सिवा तो तीन और उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस हो गया जो कि पिछले नाइट जाकेल के अंदर भी रहा था मैन ऑफ द सीरीज बने थे टूर्नामेंट चैंपियन भी टीम उनकी बनी थी राधे प्लेयर विद नाइस लकी सूजन लवली शॉट डीजे कंप्लीट बिग विकेट टुडे अच्छी शुरुआत यहां पे डीजे के द्वारा शानदार गेंदबाजी तारीफ करूंगा अब आए हैं नए बल्लेबाज बिलाल राइट हैंड राउंड विकेट और आते ही मौका हमारे लोकल हीरो के नाम रही है बहुत ही बेहतर गेंदबाजी फॉर्म डीजे कमाल का गेंदबाजी 24 के ऊपर चौथा विकेट यहाँ टीम खिलाड़ी का रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ के रख दी है डीजे ने सबसे बड़ा विकेट यहाँ पे फंसाया है बहुत बड़ा विकेट यहाँ पे बरिश भाई बिलाल राजपूत की जो बड़ी सफलता विशाल मारुत ने खेला है बहुत सीनियर लंबा चौड़ा अनुभव है नरेंद्र के पास तीन ओवर में यहाँ 24 रन और 4 विकेट और 4 रन शान के नाम डीजे के नाम है खतरनाक शुरुआत हुई परेश भाई डीजे के द्वारा बिल्कुल आर्य पटेल पहुंचे हैं लेवल पहुंचे हैं कम जब उन्होंने दिया सुन फॉर्म टीम डीजे टीम बिल्डिंग जी भावेश भाई राठौर की ओर से 500 रुपए हैट्रिक जनता को धोने दे हैट्रिक के 500 रुपए डीजे को कंटिन्यू निकोल यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे लास्ट ओवर पावर प्ले का शानदार मुकाबला बहुत ही बड़ा आयोजन यहाँ पे आलू देवी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 आज फाइनल मुकाबला टॉस जीता बिल्डिंग ने बल्लेबाजी करने का निर्णय 24 पे 4 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए हैं निकोल गेंदबाजी करेंगे अमर ठाकुर शामा करेंगे 4 बल्लेबाज 24 पे आउट बॉलिंग पर गेंदबाजी ने अच्छा गेंद स्लॉग सीट करने की कोशिश फाउल ब्रेकमैन के साथ गेंद सीधा कवर पर दिशा में एक और अच्छा गेंद गेंदबाजी होता है वही गेंदबाजी हुआ है और इसमें कमाल तो डीजे ने किया है 4 विकेट डीजे के नाम है कमाल की गेंदबाजी तारीफ के काबिल 4 विकेट डीजे के नाम अच्छी शुरुआत 24 और 4 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए हैं अच्छी शुरुआत बहुत ही बढ़िया मुकाबला नाथालाल और प्रभुराम भाई दोनों ही अंपायर आज के मैच के होने के बाद लंबा चौड़ा अनुभव की प्लस स्कोर 24 पे 4 बल्लेबाज आउट फिर से निकल चले राइट एम ओवर
कमाल का गेंद फिर से एक और बिंदी के नाम जो गेंदबाजी फ्लॉप और डिकुल के द्वारा 24 के चार की ओवर नंबर रनिंग पारी का टॉप लेगा आखिरी ओवर है अगर इस ओवर के अंदर आप नहीं निकल पाएंगे तो फिर इसके बाद तो फील्ड खेला जाएगा और वैसे भी थोड़ा प्रेशर है और ये जो उसकी जो चार गेंदें शायद बची हैं और उसके अंदर रन बदल कर तो प्रेशर जो है उसको डाउन करने का मौका है चार गेंदों पर पड़े शॉट के लिए विकेट को बचा कर रखें और अभी भी बैटिंग लाइनअप है यहाँ टीम के पास भविष्यवाणी करना खतरों से खाली है क्रिकेट बने गया मानी छीटाओं से भरा हुआ खेल क्रिकेट में कौन किस पर भारी पड़ जाते वो पहले से अनुमान भाई लगाना नाम होंगे लेकिन यहाँ पे ड्यूजी हावी हो गया खतरनाक गेंदबाजी कर रहा चार बड़े विकेट उनके नाम आए दोबारा एक शानदार गेंदबाज पड़ी हुई टारगेट कमाल का गेंदबाजी ये चार विकेट का प्रेशर इतना नजर आ रहा है क्योंकि शॉट सिलेक्शन में फर्क पड़ रहा है बहुत ही बेहतर हालात गेंदबाजी है या टीम जो कि डीजे और नॉट यूजर के द्वारा दबाव दबाव होता है परेश भाई दबाव में जो भी टीम आ जाते हैं तो दबाव से निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है अमर ठाकुर लगातार मेहनत में लगे हैं जो भी गेंद पूरी आ रही है उन पर अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे राइट हां क्योंकि तीसरे के स्कोर पर चौथा विकेट चार विकेट गया उसका थोड़ा प्रेशर है वो थोड़ा हटेगा आने वाले गेंदबाज के ऊपर फिर एक और बड़े शॉट के जाने का मौका मिला है बहुत ही अच्छा शॉट है लेकिन निकलने के बाद थोड़े रगड़ नजर आते हुए थोड़ा प्रेशर आता है क्रिकेट ज्ञान ही ऐसा है अच्छे अच्छों को प्रेशर में ला देता है क्रिकेट ज्ञान ही अच्छा है कुमार विजय निकलने के सामने क्रिकेट पर ठाकुर और सामने भी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है तो यहाँ अगर आप 150 के करीब जाएंगे तो अभी इस फाइनल का मैच का एक नतीजा परिणाम निकल सकते हैं गेंदबाजों के लिए रास्ता रहेगा जी सही बोला और हपूर सिंह इंडियन आर्मी यहाँ पे बता रहे हैं वेलकम हार्दिक स्वागत है इंडियन आर्मी जो हपूर सिंह पहुंचे वेलकम हार्दिक स्वागत करते हैं जो बलिना नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर यहाँ पे बता रहे हैं हपूर सिंह वेलकम हार्दिक स्वागत है बहुत ही बढ़िया आयोजन बलिना डिफेंस अकेडमी नाइट टूर्नामेंट बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है तो हपूर सिंह यहाँ बता रहे हैं आमंत्रित मेहमान के रूप में तो हार्दिक स्वागत सुराना हार्दिक स्वागत करता है लाल इच्छा 36 लॉस ऑफ आउट चार बल्लेबाज आउट
होकर वापस गए हैं। अब शुरुआत पांचवा ओवर, गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, गेंदबाजी में विशाल पारोट आए हैं, गेंदबाजी में पहला परिवर्तन यहाँ पर परेश भाई। यहाँ बिल्कुल विशाल पारोट पहुंचे हैं गेंदबाजी में, 36 के स्कोर पर 4 विकेट। अब सामने करके आ रही है पटेल और गेंदबाजी में बदलाव किया है विशाल लव पारोट डालने के पहला ओवर अपनी पारी का अपनी स्केल का पहला मैच काउंट करियो। पांचवा ओवर लेकर पहुंचे हैं, शानदार ग्रैंड फाइनल, बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में दर्शक पहुंचे हैं, बहुत ही शानदार आला ग्रैंड फाइनल 2023 सुरना की रंग हुई है, की रंग हुई आज आखिरी अंतिम लम्हा आज सुरना की रंग हुई है, आज समापन की ओर जाता हुआ ग्रैंड फाइनल दोबारा पीछे विशाल पारोट अपने बॉलिंग पे सिंगल पूरा किया। अरे पटेल अब सामना करेंगे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी कर लेते हैं और विशाल बारोट गेंदबाजी कर रहे हैं राइट हैंड ओवर द गेंद। गेंद तेजी के साथ ही रविका उषा कर दो बिगा उषा रे नंबर नाम पे इसको जब ना फॉर गुलो सो आउट बिगा वो याद हो आलू देव क्रिकेट ग्राम बहुत प्रशांत आज बार नो बॉल का इशारा, गेंद जाएगा मिड विकेट सीमा रेखा के पार, 4 रन नो बॉल का इशारा, हर नो बॉल फ्री दे दो, फ्री रहेगा परेश भाई, दो बैक टू बैक चौके आए और नो बॉल भी साथ में तो फ्री रहेगा और यह थोड़ा प्रेशर हटाने का मौका मिला है क्योंकि फ्री गेंद मिली है, इसके ऊपर एक और बड़े शॉट के लिए आर्यन पटेल को जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इस गेंद के ऊपर एक बड़े शॉट खेल रहे। फ्री का मतलब है पर पे खाना बिल ने चुकाना जी, तो मौका है बैट्समैन के पास, एक चांस बना है तुम्हारे पीछे की नियम हिसाब मानो की कमाल का गेंद और फिर से अपने गेंदबाजी में विशाल बारोट गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड ओवर द गेंद ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स से। इस बार फिर से एक और नो बॉल, एक सिंगल और नो बॉल, टीम के 50 रन पूरे, 50 कब तक शानदार बल्लेबाजी आ गया जीना मिडवे के सीमा रेखा के बाहर, 6 रन और 200 रुपए जीते हैं। लाजवाब शॉट, पिछला पीरियड को बचाया था लेकिन इस पीरियड को नहीं बचा पाए, इसमें यहाँ ताकत थी, यहाँ मन बनाया था बड़े शॉट के लिए और ये ओवर इतने बहुत अच्छा घटका हुआ टीम या बिल्डिंग के लिए, दो चौके हैं, एक छक्का है, दो बॉल आए हैं,
लाजवाब शॉट बॉल मारियो पटेल कमाल का शॉट ओवर नंबर पानी का पहला लेकर परिवर्तन के दौर पर पहुंचे हैं विशाल बारोटा और पहले ओवर में थोड़े खर्चीले साबित होते हुए दो चौके एक छक्का दो लाइन दो नॉकल भी डाले हैं तो ये थोड़ा खर्चीला ओवर जाता हुआ यह टीम का टीम और डेविड जो कि डेविड इलेवन के द्वारा आर्य जो कि आर्य पटेल बहुत अच्छा शॉट खेला 20 खर्च कर चुके हैं यहाँ विशाल गौरव इस ओवर में जी कमाल की बल्लेबाजी मिडिल लेग स्टंप पर बॉल जा रही है जिला मिड विकेट से मारे फेंके मार गया था छह लाजवाब बल्लेबाजी टीम का स्कोर 56-4 पारी का पांचवा ओवर भी है शानदार क्रीज का फायदा उठाया था लंबा ही मिड विकेट से मारे फेंके मार भेजा था बेहतरीन स्कोर आर्य पटेल के बल्ले से दोबारा विजय विशाल गौरव का बल्लेबाजी का आर्य पटेल के गेंद Then see the standing yellow. Beautiful and magnificent six of four. 5 years. 62 for 49 and 5 complete for the team of Hillary. जी कमाल की बल्लेबाजी जैसे बल ऊपर मिला था सही फायदा उठाया था पांच ओवर में 62 रन चार विकेट के नुकसान में जैसे बल ऊपर मिली थी और की लॉन्ग स्पिन बैट के बीच में लंबे लगे जिला लॉन्ग वन बाउंड लाइन के बाहर चला गया छह तो पांच ओवर में परेश भाई 62 रन बनाए वापस आए गेम में यहाँ पे जी हाँ इस ओवर के अंदर 26 रन है तो गेम बदल जाता है कभी बदल जाता है लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है वेट करने की जरूरत है क्योंकि इस गेंदबाज छह गेंदों में क्या दो गेंदे खराब डालते हैं वो उस गेंदों का इंतजार करें अपने आप शॉट आएंगे यहाँ जो कि विशाल गौरव का ये ओवर 26 रन वाला निकला है बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ आर्य पटेल और अमर ठाकुर के द्वारा बहुत ही बढ़िया रन बने हैं यहाँ 62 चार विकेट पांच ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है अब इस ओवर में थोड़ा बहुत बेहतर कमबैक किया है टीम बल्लेबाजी शायद बिल्डरी ने तारीफ करो का वापसी हुई है पांच ओवर में 62 रन कमबैक अभी सात ओवर का फेंका जाना बाकी है पारी का छठा ओवर अब स्टार्ट होने जा रहा है और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन कमल भोजक गेंदबाजी में कमल भोजक अपने स्वेल का पहला ओवर और पारी का ओवर करा रहे दोनों छठा पांच ओवर की शुरुआत के बाद 62 रन कमल भोजक गेंदबाजी करेंगे छठे ओवर की शुरुआत पांच ओवर का खेल पूरा हो गया है और सबसे सीनियर पहुंचे यहाँ कमल भोजक जो की पिछला फाइनल हमने 64 ओवर का देखा था फाइनल जरूर उनकी तिवारी थी लेकिन उनका जो चार वर्ष का स्पेल था हम दोनों ने देखे ने क्या बेहतर गेंदबाजी डाली थी विकेट के साथ और नंबर तुला गेंदबाजी डाला कमाल का शानदार इकोनॉमी से गेंदबाजी डाली थी कमल भोजक ने जी शानदार यहाँ पे कमल भोजक गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट का पावर दिखे पारी का छठा ओवर है स्टार्ट होने जा रहा है पांच ओवर में 62 रन चार विकेट के नुकसान से छठे ओवर की शुरुआत छठा ओवर है स्टार्ट होने जा रहा है कमल भोजक गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट का पावर दिखे बहुत ही अच्छे गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर ले तो पहला या दूसरा परिवर्तन गेंदबाजी में कमल भोजक लेफ्ट का पावर दिखे गेंदबाजी करेंगे पांचों के सामने पांच ओवर में ठाकुर स्ट्राइक नाउ 62 लॉस ऑफ फोर आउट पारी का ओवर यहाँ पे छठा पहले बार पर स्वागत किया कमल भोजक का गेंदबाज अमित विकेट सीमा रेखा के बाहर छह रन के लिए अमर ठाकुर के बल्ले से कमाल का सिक्सर हुआ अमर ठाकुर 68 चार विकेट और तीन बॉल मोदी 68 पर 2 डाउन बहुत ही बढ़िया पहली गेंद पे छह जड़ के थोड़ा प्रेशर में डाला है दबाव डाला है गेंदबाज कमल भोजक के ऊपर यहाँ अमर ठाकुर ने जी हाँ पार्टनर के सामने पार्टनर है जानते हैं अमर ठाकुर उनकी लेंथ को क्योंकि सामने डेली साथ खेले करते हैं इसीलिए बहुत अच्छी तरह से दुबारा पीछे कमल भोजक अपनी बॉडी बाबे इस दफा बहुत अच्छा गेंद की थोड़ा पार कर गए वाइड ये गेम थोड़ी ज्यादा पार हो गई थी वरना बहुत अच्छी गेंद थी इसकी बाउंस था साथ में टर्न भी मिला था जी शानदार गेंद यहां पे कट ओवर गेंद बाहर का निकला बल्लेबाज बीच में ज्यादा बाहर वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा शानदार गेंद डाला था फिर से अपनी बॉलिंग वहां पर गेंदबाजी में अजीत बाबा बैठे हैं पूरा फील्ड ही बैठा हुआ है काफी लोग यहाँ पे फील्ड से बता रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है सुराना में और जयेश मोदी काफी खुश है अपनी टीम से दोबारा विजय के लिए पांचवा पे जवाब है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर सिंगल से नहीं रुक पाएंगे अमर को तीन सिंगल के साथ एक रन पहुंचाया है टीम मोदी इलेवन फील्डिंग का 70 पे चार विकेट ओवर नंबर 66 रन के केशव इसके बाद भी छह ओवर का और खेलना बाकी है बहुत ही अच्छी वापसी की है कमाल का वापसी किया है टीम यहाँ फील्डर ने जब चार विकेट 36 के अंक पे जा चुकी थी अब 70 के अंक पे चार विकेट है पार्टनर से फिर न फील्ड हुआ है हमारे प्रतीक बताएंगे यह 46 का पार्ट से फील्ड हुआ यहाँ इन दोनों के बीच में दोबारा गिन लिया एक बार बेहतर सीधा जोड़ी में गए थे
7-0 के स्कोर पे 5 विकेट आर्यन पटेल आउट विकेट नंबर 5 डाउन हुआ है मोदी इलेवन फील्डरी ब्रेक तो दिला है हितेश एक और विकेट मिला है आर्यन पटेल का और यहां पे बनासकांठा के सुपरस्टार निसार मंसूरी का बल्लेबाजी में आगमन हो रहा है सदारम स्पोर्ट्स वाले यहां पे बता रहे हैं सदारम स्पोर्ट्स दियोदर यहां पे पहुंचे हार्दिक स्वागत है भाई का 70 पे 5 आधा टीम आउट होकर वापस हरी आउट होकर वापस आए हैं और उनकी जगह पर निसार मंसूरी का बल्लेबाजी में आगमन हुआ है शानदार कैच यहां पे लगकर नए बल्लेबाज निसार आए 70 पे 5 बल्लेबाज परेश आधा टीम आउट होकर वापस जा चुका है जी हां बिल्कुल 70 के स्कोर पे 5 विकेट अब आए टेनिस लिटिल मास्टर बनासकांठा की शान पालनपुर की आन बान शान निसार मंसूरी पहुंचे शानदार बल्लेबाज अब इस 5 यानी कि 6 ओवर के बाद बचेगी किस प्रकार से खेलते हैं आज लंबी पारी की जरूरत टीम को या फील्डिंग के लिए किस प्रकार से खेलते हैं इस ग्रैंड फाइनल की इस इनिंग को किस प्रकार से ले जाते हैं सामने भी बहुत एक्सपीरियंस अनुभवी गेंदबाज जो कमल भोजो और पीछे के लिए भोजो की इशारे के लिए अरे यार शायद बहुत दूर बाहर बाहर डाली थी वाइड की बात जरूर की थी लेकिन नकार है 70 पहुंच चुकी है ओवर नंबर या 17 चल रहे थे इसके बाद 6 ओवर का खेल बचेगा अगर इसी रन रेट से जो स्कोर चलाते हैं तो भी 140 के करीब जा सकता है यह ग्रैंड फाइनल का टोटल इतिहास जी ऑफ स्टंपर बॉल था जरूरी यहां पे कट होकर बाहर भी निकला था हसन ने उसने लेकिन बेहतरीन किया था बल्लेबाज चुके थे अमल भोजक ने एंगल चेंज किया पहले लेफ्ट आर्म और भी गिरा कर लेफ्ट आर्म राउंड के लिए गेंदबाजी करेंगे ठीक कमेंट्री बॉक्स चल दे हां बहुत ही अच्छा गेंद जाने दिया गेंद कट होकर बाहर भी निकला लेफ्ट आर्म राउंड गिरा पहले बार लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गिर रहे थे रिहा एंगल चेंज किया बहुत ही अच्छा गेंद देखा पर का जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में निशान मंजूरी ने भी नए बल्लेबाज क्रीज पर आए जी जी बिल्कुल और ये अनुभव है उनके पास या कमल भोजी के पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इसीलिए उन्होंने एंगल चेंज करके कर दिया क्योंकि यहां निशान मंजूरी आए सामने पता था तो उन्होंने एंगल बदला और बेहतर गेंद डाली एंगल चेंज करने के बाद भी दोबारा पीछे के लिया मुझे ठीक ये बार भी एंगल चेंज किया सर दोनों बल्लेबाज अब सिंगल के लिए बल्लेबाज रहे हैं बेहतरीन करीब दोनों ही बल्लेबाज ने अपना स्वर बुरा किया आंखों में इशारा करके दोनों ही बल्लेबाज दौर के रन पूरे किए ओवर की समाप्ति 6 ओवर में 71 बने 6 ओवर आधा सफर यहां पे फील्डिंग भी का पार हुआ है 6 में 71 में 5 बल्लेबाज आउट या बिल्कुल अब 6 ओवर का खेल बचा है कितना टारगेट मिलता है वो तो समय वक्त तय करेगा लेकिन यहां बल्लेबाजी टीम और फील्डर ने भी अच्छा कमबैक किया है 36 के स्कोर पे 4 बल्लेबाज जा चुके थे तब लग रहा था कि जितना टोटल पे जाएगी लेकिन इसके बाद अमर ठाकुर और आर्य पटेल के बीच अच्छा पार्टनरशिप किया 46 का बना था विकेट फंसा है वो बिलाल राजपूत का जो विकेट आउट हुआ वो रनिंग विकेट वाला विकेट कहेगा क्योंकि टेनिस में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते रहते हैं और जो बिलाल राजपूत को बिना स्कोर पे फंसाया था वो बड़ा विकेट आया जी जी बिल्कुल धनी जी ने 4 विकेट को चटका पे कैमरा फिर दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर पहुंचे और हैट्रिक वाले हितेश हैट्रिक के लिए उनके लिए इनाम का भावेश भाई राठौर की ओर से 500 रुपए का इनाम है और हैट्रिक बॉल पे है या धनी जी दोबारा पीछे के लिए निशान के लिए अच्छी गेंद बढ़िया गेंद सुपर डिलीवरी कुमार के गेंद 71 पर आ चुकी ओवर नंबर 7 का स्टार्ट होता है 71 पर भाई और 7 ओवर की शुरुआत हुई और डीजे शायद अपने स्पेल का ये तीसरा आखिरी ओवर लेकर पहुंचे अच्छी गेंद का इसमें मैंने स्कोर और 75 आउट ओवर नंबर 7 बनिंग राइट आर्म राउंड के अच्छा गेंद है भाई एक बहुत और बड़ा है परेश शानदार गेंद डाला है कमाल का गेंद मंसूरी की आज वो लंबी पारी खेल गई तो आज बहुत ही बढ़िया उसको उनकी शॉट सिलेक्शन देखने का मजा उनके शॉटों में कम होता है कमाल का खेल था आज या सुरना की रणभूमि पे उनके बेहतर शॉट देखने को मिलेगी और पीछे के लिए निशान मंसूरी के लिए
जैसे कि विराट कोहली ट्वीट है इतने स्फूर्तिले वो भी यहाँ पे फील्ड खिलाड़ी में निशा मंसूरी जो माना जाता है बहुत ही चित्ते की तरह उनकी दौड़ फील्डिंग बैटिंग सब कुछ बेहतर। वैसे में निशा हमारे बनासका था एक सुपर स्टार एक बेहतरीन प्लेयर यहाँ पे शानदार बल्लेबाजी ₹1,000 का इनाम यहाँ पे हैट्रिक के जय साई मोदी की ओर से ₹1,000 निशा मंसूरी को विष्णु भाई की ओर से क्या बात है जी ₹1,000 लाजवाब बल्लेबाजी हैट्रिक के द्वारा विजय जी अग्रणी बल्लेबाज पे लाजवाब शानदार मजेदार बल्लेबाजी निशा मंसूरी के बल्ले से चार गेंदों के अंदर चल सकेला पे देखे उनका संख्या पता किया निशा मंसूरी ने गेंदबाजी में हर्ष उल्लास नजर आ रहा है लेकिन धनंजय ने तो आज शुरुआती जीके ने दिलवाई है नो डाउट दो ओवर तो अच्छे डाले हैं। जयेश मोदी का चिकन नहीं गुजी का क्योंकि वापस आए गेम में पहले ने थाने नहीं होना अगर डाले तो बिल्कुल जरूर मेरे निशान पे रहते मंडी हो रहा था कि मैं खड़ा होकर के ताली बजा के सराहना करूँ अब तो बिल्कुल खड़े हो गए झूम रहे नाच रहे क्योंकि हर छक्के पर 200 है तारीफ करूंगा यहाँ पे जयेश भाई मोदी 95-95 सात ओवर का खेल 95 अब गेंदबाजी को पहुंचे दोबारा कमल भोजे का है सेकंड ओवर अपना मैच बॉन्ड बल्ले पर पहुंचे यह 8 ओवर 95 5 विकेट और ऊर्जा का नया संचार पैदा किया ग्राउंड में यह निशा मंसूरी ने आज बार ज्यादा बाहर वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा मैं फलाल जो कि थोड़ा दबाव आया गेंदबाज के ऊपर 96 और मैं फलाल थोड़ी जो स्ट्राइक अंपायर हटा के आतिशबाजी देखिए हर्षोल्लास नजर आता हुआ काफी उत्साहित चंद्रा निशान मंसूरी का पल्ला आग उगल रहा है भूदेव की रणभूमि सुराना में 96 पे 5 बल्लेबाज आउट फिर से गेंदबाजी पे वापस खतरनाक बल्लेबाजी यहाँ पे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है वैसे यहाँ पे निशान मंसूरी को देख के अमर भी रुकने वाले नहीं है शानदार बल्लेबाजी कमाल का बल्लेबाजी 102 5 विकेट का टीम में फील्डिंग मोदी इलेवन खतरनाक बल्लेबाजी वो जो कि प्रिफर का पे सब ने क्रिकेट का ठाकुर के लिए गेंद को हमारे बीच बैठे हुए हैं आज थोड़ी उनकी तबीयत थोड़ा दूर घूमिएगा भैया उन्होंने किसी के लिए ऊपर तक जाएगा नीचे फेंकेगा चिरंदर के ऊपर के बॉल बढ़िया कैच यहाँ से कैसी है नवीन कैप्टन के द्वारा और ये लगने वाला सरकार का डाउन हो जाएंगे देखिए क्या पता डाउन जाएंगे वापस और क्या अनबिलेबल कैच है जितने भी तारीफ की जाएगी कम दिनों बाद इस कैच की जिन्होंने उल्टा भाग कर ये कैच रखा है सब कुछ हो रहा है छक्के आ रहे हैं पटाखे फूट रहे हैं गैस हो रहा है हर्ष उल्लास है एक तरफ ड्रेसिंग रूम में खुशियां है एक तरफ मायूसियां है यहाँ सब कुछ नजर आता हुआ ग्राउंड में भी आवाज आ रही है ग्राउंड की तारीफ करूंगा अपन ठाकुर की अच्छी बारी आउट होने हैं शानदार
बयालीस की पारी खेली उन्होंने। जब इतना शानदार माहौल होता है तो कॉमेडी करने का तो बहुत ही मजा आ जाता है। लाजवाब क्राउड का माहौल यार सुनने की रणभूमि है। हमारा कॉमेंट्री और हम सबका कॉमेंट्री वो घटना का सपोर्ट है। अभी इतना अच्छा कॉमेंट्री आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल एक सौ सरकारी हमारा कॉमेंट्री है बिल्कुल नए बात पहुंचे यहाँ मेहुल प्रजापति जी हाँ कम जाते हैं न्यू बैट्समैन फॉर टीम फिलरी वाराही ने अच्छा खेला था मेहुल ने वाराही ने बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ था उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था मेहुल का और कमाल की गेंदबाजी जहाँ से उन्होंने फाइनल में डाली थी मेहुल प्रजापति ने तो ऑलराउंडर है बहुत ही बढ़िया तुम्हारे पीछे पहुंचे कर तुम्हारी गापे मेहुल की गेंद एक अच्छी बॉन्डिंग कर दिया गेंद पीछे फील्डर है सिंगल से नहीं रुक पाएंगे मेहुल प्रजापति को अपना अकाउंट खुला है तीन का टोटल जब पहुंचा 107 छह विकेट ऊपर कमर पानी का रनिंग चल रहा है आठवां रनिंग है क्या जबरदस्त वापसी की हितेश टीम जहाँ फील्डिंग मोदी लोग लाजवाब वापसी की थी क्योंकि छह 36 रन पर चार विकेट थे तब लग रहा था कंडीशन बहुत वीक है लेकिन बहुत ही बढ़िया शानदार कमरे शानदार वापसी किया है कमाल का बल्लेबाजी किया है 25 पर नाबाद है और सामने भोजो के 107 पे 6 विकेट है यह टीम बिल्डिंग की 107 फॉर 6 डाउन दोबारा पीछे कमल भोजो के बुटवानी बाबे सामने करके निशान मंजूरी गेंदबाजी करेंगे शानदार मेहुल के बल्ले से थे 114 रन में अभी बना दुगा 140 आठ ओवर का परिणाम खेल बोलने के बाद 114 रन यहाँ बना लिए यहाँ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी 114 पे 6 विकेट आठ ओवर का खेल बोल वो चार ओवर बचे यहाँ इन तेज चार ओवर के अंदर किसी प्रकार से जाते हैं और करीबन 170-160 के करीब तो जाना पड़ेगा हितेश इस ग्रैंड फाइनल के एक बेहतर टोटल बनाना पड़ेगा दोनों बार और हितेश क्या आपका ख्याल है यहाँ तक तो जाना पड़ेगा क्योंकि 114 तो ऑलरेडी 8 ओवर में बन गया अभी 4 ओवर और है और सामने दोनों बेहतर बल्लेबाज हैं जी 114 ने यहाँ पे टीम बना दी 4 ओवर में 50 के ऊपर और लक्ष्य से निशान खड़े हैं लग रहा है 150+ तो पक्के नजर आ रहे हैं यहाँ पे परेश भाई 4 ओवर बाकी है यहाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा 150 के करीब और 150 के ऊपर जाना पड़ेगा ग्रैंड फाइनल है वहाँ भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है वहाँ जो कि जो डीवीडी 11 के अंदर भी बहुत ही अच्छा बैटिंग लाइनअप है विशाल है कुलदीप है युवराज है बहुत ही बढ़िया जी और आज प्ले उन्होंने किशन डोली ने कल जिन्होंने सेमीफाइनल खेले थे उन्होंने और शतक खेला था और 4 विकेट भी चटकाई थी 14 गेंदों में अपना शानदार 50 खेले थे वो आज नहीं है जी मयूर सोता और किशन धोली दोनों नहीं है विपिन सिंह भी नहीं है जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था सेमीफाइनल में वो भी नहीं है राहुल आए गेंदबाजी में राहुल गेंदबाजी करेंगे अपने इस बॉल का पहला ओवर परिवर्तन के तौर पे यहाँ पे 7 ओवर की शुरुआत यानी टोटल 9 ओवर की 8 ओवर का खेल पूरा राहुल शॉट बॉल फायदे के ऊपर से निकालने की कोशिश ठीक कर गेंद बल्ले मिले फायदे गंदे में लग रहा था 114 पर है 114 अच्छे विकेट था लोकल बॉय पहुंचे गेंदबाजी में राहुल पहुंचे जिनका बहुत ही अच्छा राहुल रणवाड़ा जिनका शानदार टूर्नामेंट रहा है यहाँ इस ग्राउंड पे और सामने है उनके सामने टेनिस लिटिल मास्टर मंसूरी दोबारा पीछे के दिया राहुल की अच्छा शॉट ऑफ करते हुए रिटायर किया पीछे फील्डर मिड विकेट फील्डर फील्ड करे तब तक एक और सिग्नल का मौका था यहाँ सिग्नल दूसरे के लिए जाएंगे ओवर तो कई कारण मिलता हुआ कि दोनों के साथ एक जब हो जाए 116 छह विकेट 116 को सिक्स डाउन का क्या तेज तरह दो डाला था बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द 116 पे छह विकेट है बहुत रनिंग चल रहा है पारी का यह न हुआ और दो प्ले इलेवन में नहीं आज खेल रहे हैं जो कि किशन धोनी टीम नहीं खेले मयूर सोना नहीं है कल मयूर सोना थे किशन धोनी थे विपुल सिंह वाघेला थे टीम नहीं है आज विपुल सिंह है या युवराज शायद नहीं है
116 छह विकेट है। नाम तो युवराज का भी था लिस्ट में है। दोबारा भेजेंगे भैया राहुल फिर से राइट का पावर भाई फटाके जो बोल रहे हो 20 रुपया करके थोड़ा थोड़ा दूर हो दूर दूर रहे भाई जी साइड बड़ा है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी थोड़ा दूर रखे 122 for 6000 कमाल का शानदार बल्लेबाजी चल रहा है दोबारा भी राहुल के निशान पर छुरी 34-34 पर खेल रहे हैं सिर्फ 14 गेंदों का सामने का दोबारा पीछे के लिए राहुल की मंसूरी को शायद जाना पड़ेगा और शानदार कैच है फ्लिक किया तो और बड़ी विकेट आप नहीं देखिए सबसे बड़ा विकेट है ये भरत जी यहाँ पे गेंद लपक ले कामयाब है विकेट है जब गया ये फील्डिंग की बारी आई तो गेंद भी लपक लिया है 122 पर 7 बल्ले बाद आउट निशान बाद छुरी फ्लिक करने की कोशिश ज्यादा ताकत नहीं दिखाए थे नहीं भरत जी नहीं ये गैस क्लब का है सात बल्लेबाज 122 के साथ निसार मंसूरी जो के स्टॉक ज्यादा ताकत नहीं दे पाए फिर आउट होकर वापस गए हैं विकेट क्या पता नहीं हमें निशान आउट होकर वापस सातवां झटका बैट लाइन पर बॉल थी मिड विकेट के ऊपर से निकालने की कोशिश की थी और गेंद का स्कलेट फील्डर भरत जी के हाथों में गेंद और आउट होकर वापस नए बल्लेबाज ग्रुप में आए हैं मोंटू आए नए बल्लेबाज तो विकेट का पता नए बल्लेबाज अब मोंटू का आगमन हुआ बल्लेबाजी में 122 के साथ बल्लेबाज आउट क्या दो ही खिलाड़ी आ रही है छोटा और कोहली नहीं है जो कि उनको चाहिए बोला दोनों तो खेल रहे हैं प्ले लेवल में 122 रन हो गए 122/7 भाई मोहन ने बल्लेबाज को बहुत ही अच्छा कैच यहां पे लगता है और निशान आउट हो गए होते हैं फिर सामने गेंदबाजी ने राहुल पांच बार शॉट बॉल उड़ाने की कोशिश क्या जाएगा लॉन्ग बॉल दिशा में दोनों बल्लेबाज अब सिंगल के लिए बल दे भाई इतनी रनिंग शॉट बॉल गोल मारने की कोशिश किया जिला में जो दिशा में गया था उसने बल्लेबाज ने हमारा छोरपुरा की 123 रन यहां पे टीम बना चुका है शानदार स्ट्रोक और गेंद जिला लॉन्ग बॉल दिशा में गया था दोनों बल्लेबाज के पास समय था अच्छा रनिंग बिछड़े गए तो और 9 ओवर में 123 बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर पर इसमें आने बाकी है 18 गेंदें फेंकी जाने बाकी यहां पे कुल 130 पे 7 विकेट और 3 ओवर बचे हैं कितना टारगेट मिलता है 150 के ऊपर तो जाना पड़ेगा इतनी शॉट क्योंकि ग्रैंड फाइनल है 12 ओवर का मुकाबला है तो यहाँ 150 कल भी 10 ओवर के सेमीफाइनल थे जिनों का यहाँ 150+ गए थे और फिर भी मैच बने थे तो ये ग्रैंड फाइनल है यहाँ 12 ओवर का है 2 ओवर और ज्यादा मिलेंगे खेलने को तो यहाँ 160-170 के करीब जाएंगे तब मैच बनेगा विकेट थोड़ा टफ है विकेट थोड़ा बहुत टफ है यहाँ चीज इतना आसान नहीं है 150+ यहाँ पे सेफ माने जाते हैं क्योंकि दोनों टीमें दिग्गज टीमें हैं 3 ओवर आने बाकी 123 रनों में 7 बल्लेबाज आउट अपारी का 8वां ओवर निकुल को गेंदबाजी में ले आ रहे हैं 10वें ओवर की शुरुआत 9 ओवर की समाप्ति 3 ओवर का आना बाकी 123 बने हैं पारी का 10वां ओवर अब स्टार्ट होने जा रहा है 18 गेंदें फेंकी जाने बाकी है 1-2-3-4-7 123 और 7 विकेट अब 10वें ओवर की शुरुआत होती हुई है निकुल लेकर अपने स्पेल का आखिरी मैच का नंबर यहाँ 10वां लेकर पहुंचे और सामने करेंगे मोंटू पटेल ऊपर पीछे निकुल अपने बॉडी बाबे सामने करेंगे मोंटू के लिए गेंद और तो ज्यादा बार डाली है
पत्री के साथ 124 साथ विकेट आज के दोनों ग्रैंड फाइनल के अंपायर हैं नाटा लंगुड़ी एंड प्रभुराम जोशी जो कि बहुत शानदार अंपायरिंग की छोटा बिट के लिए और आज ग्रैंड फाइनल के दोनों अंपायर हैं दोनों यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है जो कि बलिदान क्रिकेट क्लब यूट्यूब चैनल और जेके ऑफिशियल सोलह ऊपर के दिया या 17 बॉल लेफ्ट नाउ फिर से गेंदबाजी में निखिल राइट हम और दिखे रहे गेंदबाजी करेंगे 125 पे सात बल्लेबाज आउट हुए हैं 125 लॉस ऑफ 7 आउट दोबारा पीछे के लिया करीबन 30-20 रन बचाए जी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे वो बड़ा विकेट फंसाया है रोका है बिल्कुल 126 पे सात बल्लेबाज आउट निकुल फिर से बढ़िया गेंद झुके बल्लेबाज क्रॉस पर हुए थे मिड विकेट का निकालने की कोशिश करता खाने के बाद एंगल बना दो बल बाहर निकला झुके बल्लेबाज मेहुल प्रजापति को चकमा दे देंगे जिला विकेट कीपर के स्थानों में बहुत ही अच्छा गेंद कम है विकेट में तो बाहर की ओर गेंद निकला तो पता नहीं चले बल्ले यहाँ पे बैट्स को समझ नहीं पाए शॉट बुल मारने की कोशिश में भी हो गए बिल्कुल इतनी शाम ने कई कई टूर्नामेंट में कॉमेडी किया फ्लैट पाटा विकेट होती है सीधे बल्ले से गेंद हिलती नहीं है बल्ले पर आती है लेकिन यहाँ सोलह का बिल्कुल डिफरेंट विकेट है यहाँ कुल मिलाकर 6 गेंदबाज और 5 गेंदबाज ने हैट्रिक कर दिया है ये फायदा है ये विकेट पे गेंदबाज को मदद है और सिर्फ 2 ही शतक लगे हैं इससे पता चलता है कि कितना बैटिंग बल्लेबाजी गेंदबाजी विकेट है ये बहुत ही बढ़िया शानदार यह गेंदबाजी विकेट है अपने आप कौन भी होता है इन फिगर आउट फिगर हो जाती है गेंदे करने गेंदबाज करना ना चाहे तो भी और जो ज्यादा वाइड हो रही है ज्यादा पहाड़ निकली हो तो वो विकेट मदद से जा रही है ज्यादा बाहर इतनी बाहर करने की कोशिश नहीं करते कि बस ये 132 पे सात बल्लेबाज आउट बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला था फिर से निकल चले बोल गए इस बार गोला में बॉल में है गेंद नौ में लगाने के साथ गेंद सीधा शॉट करने के निशान है शॉट करने के निशान में गेंद को रोके पारी का 10वां ओवर 132 रन यहां पे बरेस बने इसके बाद दो ओवर भी आने बाकी है या बिल्कुल और यहां आज जैसी दिशा मंसूरी का विकेट गया है इसके बाद अच्छा टप्पे किया है सिर्फ इस ओवर में सिर्फ एक छक्का आया है बहुत ही अच्छा गेंदबाजी या निकुल के द्वारा तो जरूरत है इसके बाद 2 ही ओवर 21 बचे बचेंगे अब हर गेंद पे हिट पे ले जाना पड़ेगा क्योंकि विकेट बचाने का कोई मतलब नहीं है बार बचेंगे दिया हर बॉल को लिए बंदे पे गेंद न्यू मिशा हिट विकेट नंबर 8 डाउन फॉर टीम बिल्ड 132 के सर पे 8 ओवर की जो शानदार गेंदबाजी फॉर टीम डेविड लोन के द्वारा अनबिलीवेबल कमबैक किया है जी और अब आसिफ दीवान नए बल्लेबाज ग्रुप में बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं आसिफ दीवान नए बल्लेबाज को 8वां डर का विकेट का बटन सीधा जोरा में डाल मेहुल बोल लो खिलौने हैं 8 बल्लेबाज आउट शानदार गेंदबाज था यॉर्क के जोरों में और जब भी मैदान के बाहर आ रहे थे कि यानी नहीं दिखाई दिया और सीधा स्टंप को हिट किया है बोल हो गए 8 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए हैं फरेश 132 में 120 16 से भाई आउट यहां बिल्कुल शानदार वापसी किया है यह टीम और डेविड 11 ने कमाल का टप्पे किया है 132 पे 8 विकेट है ओवर नंबर 10वां रनिंग है क्या अब कितना टारगेट मिलता है 2 ओवर बचे हैं उसके अंदर कितना टारगेट मिलता है इन 8 विकेट भी गई है अब जो कि बल्लेबाजी में आसिफ
दीवान पहुंचे क्या करते हैं, कितना रन मिलता है इन दो ओवर के अंदर, क्योंकि दसवां अभी ऑलरेडी 13 गेंद बचे हैं करीबन, या 13 गेंदों के अंदर 30-32 रन जोड़ने पड़ेंगे। पहली टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तब तो दिनों का राठौड़ पहुंचे थे, सेकंड टूर्नामेंट हुआ था तभी दिनों का राठौड़ पहुंचे थे, थर्ड में परेश भाई आपको मौका मिला है। जी हाँ बिल्कुल। और दिनों बाकी बात की जाए तो सेमीफाइनल फाइनल बहुत उनकी जब से तबीयत बिगड़ी तब से उन्होंने कमेंट्री को रेगुलर कमेंट्री करना उन्होंने छोड़ दिया है। सेमीफाइनल फाइनल में सदन के चलते वो जरूर पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा भी चेटी को लोग दोबारा वहां पे अच्छी गेंद यहां निकल गई और एक और बढ़िया गेंद पैटर्न पर गेंद डाला है, शानदार वापसी, नीतीश कमाल का कमबैक किया है, इसे 100 एम्पेड वाला कमबैक कहते हैं। हर कोई पहले गौशाला करता था, हर कोई टूर्नामेंट करता है, बहुत ही बड़े बड़े आयोजन यहाँ पे 10 ओवर में 133 जब 2008 से हमारी शुरुआत हुई थी दिनों, बहुत हमारे दोनों की आर्यन नाइन क्रिकेट टूर्नामेंट से शुरुआत की दिनों का 2003 से कमेंट्री कर रहे हैं, हम 2008 में आर्यन नाइन क्रिकेट टूर्नामेंट से कमेंट्री की शुरुआत की है, आर्यन नाइन क्रिकेट टूर्नामेंट से हमसे लगातार साथ में रहे, साथ में कमेंट्री की, जहाँ जहाँ समय मिला तक साथ भी रहे कमेंट्री में और बड़े बड़े आयोजन में। और जैसे यहाँ पे दिनों का एक हाथ दो हाथ साल से नजर आते, इसका कारण वो जब तबीयत बीच में बिगड़ा था और उन्होंने कमेंट्री छोड़ा है, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल में जरूर पहुंचते हैं। भाई लाइसेंस वाली से जे पर भाई से आरसी बुक से रमेश भाई भी જ્યાં પણ હોય રમેશભાઈ ભીલ જ્યાં પણ હોય એમની આરસી બુક મળી છે, કોમેન્ટ્રી બોક્સ આવીને લઈ જજો બરોબર, જે આરસી બુક છે એટલે જે રમેશભાઈ ભીલ નામ છે, જી હા રમેશભાઈ ભીલ નામની આરસી બુક મળી છે તો આ કોમેન્ટ્રી બોક્સ આવીને લઈ જજો રમેશભાઈ, જ્યાં હોય ત્યાંથી ફટાફટ તમારી આરસી બુક ખોવાય છે તો ઝડપથી પધારશો રમેશભાઈ, પધારશો सत्रह 99 नंबर की उनकी गाड़ी है, आ जाए भाई दोबारा भेजिए अलमदार 800 कमाल भोजन कपड़े बोली वहां पे अच्छी गेंद दिया टारगेट, लेकिन यहाँ चार मिलेंगे शायद, या भाई का भाई अल्टो 800 नंबर ने आरसी को बॉक्स के अंदर जमा से जे भाई ने हुए ये आगे ले जाए। बहुत ही अच्छा गेंद डाला था पीके दब गए अब चुके बल्लेबाज राउस पर मेरे भाई, राउस गेंद को भेजे लेजी नहीं भाई ये और टाइम प्रभु भाई अपने जेब में ही बोल करके ताकि तकलीफ ना हो, नहीं आने कहूँ बेहद नहीं तरह दे शानदार यहाँ वापसी 137 8 बारी का ओवर 11वां, इसके बाद अभी एक ओवर का आना बाकी, कमल भोजन गेंदबाजी करेंगे आसिफ दीवा स्ट्राइक पर, शानदार स्ट्रोक और गेंद जाएगा निर्विकेट, सी मारेगा के बाहर 6 रन के लिए 143 बड़ा प्यारा गाया है टोटल पे 143 143 से 8 विकेट ओवर नंबर 11वां शॉट स्टार्ट होता हुआ, कमल भोजक अपने स्पेल का आखिरी मैच का नंबर 11वां विकेट पहुंचे और सामने करेंगे आसिफ दीवान, बहुत ही आला शॉट खेला सिक्सर चढ़ा है दोबारा पीछे कमल भोजक को दोबारा निकाल गए सामने करके आसिफ दीवान के लिए गेंद can see the out of one. Beautiful and magnificent sixer from Divan. 149 to go. 154 wicket. Super sixer from 8 wicket from Pink Hillary. Large one shot from Ashish Divan. Sorry, one to Patel ke balle se nikla tha.
आसिफ जी, आसिफ के बल्ले से निकला था। लाल के बल्लेबाजी जयेश भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कुमार विजय पिछे के दिया, एक और लेफ्ट पर दिखाएंगे भाई दो अतिरिक्त के साथ एक और दम बचा है। 150 150 पूरे 150 कंप्लीट फॉर्मा बॉडी में फील्डिंग 1 सिक्सर निकल का 1000 रुपए है। 2 गेंद के अंदर 2 सिक्सर, तीसरा निकाल दो 1000 रुपए। लगातार 2 गेंद के अंदर 2 सिक्सर विष्णु भाई की ओर से। ओ विष्णु भाई गेंद भर कर आए हैं। विष्णु भाई दुबई वाले दुबई से वो जो दुबई का पे फिर से लिया। अच्छी गेंद दिया गया, सुपर डिलीवरी कमाल का गेंद। 150 आठ होगी, 11वां ओवर चल रहा है। इसके बाद ये समथिंग ओवर है, 150 प्लस तो पहुंच गए हैं विनुबा। जहां संबंधित स्कोर की तरफ तो गई है, अब आखिरी ओवर और इसका आना बाकी है। अभी भी जैसी शुरुआत थी, अंक अच्छा आया है, शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई थी पारी, लेकिन कमबैक कर लिया। 150 पे 8 बल्लेबाज आउट, बीच में भी अच्छा रहा था मिडिल ओवर में। अच्छा तो गोल 10 बल्ले के खिलाफ बढ़िया शो करके जाएगा मिडविक के दिशा में। फील्डर मिडविक के दिशा से गेंद करोगे तो नहीं, बल्लेबाज ने अपना सोरपुरा के मिडविक के दिशा में गेंद को फील्ड करे। 151 7 गेंदों का आना बाकी है, इसके बाद एक ओवर बचा है। 11वां ओवर 151 पे 8 और दगाउट से मंसूरी बाल पर इशारा कर रहे हैं कि भैया आखिरी ओवर को एक बेहतर अंजाम दे, एक बेहतर टोटल की तरफ ले जाए। देखो ऊपर पीछे के लिया भोजन की एक और बढ़िया गेंद, हल्के बल्ले से खुश करके विराट कोहली गिराया। विराट कोहली इंडिया के आउट हो जाते हैं, जो ड्रेसिंग रूम में दौड़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे फिलहाल राजपूत का विकेट गया तो निशा मंसूर को लगातार दौड़ना पड़ रहा है, क्योंकि टैलेंटेड बैट्समैन है वो। पीछे जो निचले क्रम के बल्लेबाज है वो अच्छा खेले, तारीफें करूंगा। बिल्कुल सिक्स 5 सिक्सर निकाल दे तो 11000 रुपए। 6 गेंद के अंदर 6 सिक्सर निकाल देते 5100। वो अकेला जयेश भाई का है, बाबा और विष्णु भाई दुबई वाले 11000। आखिरी ओवर को अंजाम देंगे तो इनाम होगी, बारिश होने वाली है। 11000 एक तरफ दुबई बैठा है, एक तरफ फील्डिंग बैठा है, एक तरफ लोग विजय और बिल्ली कम नहीं है, जैसा ने भी कम नहीं है, तारीफ करूंगा। ओ बहुत ही अच्छा, जब ही देश मोदी होते हैं तो सब जो रंग में रहते हैं। मनी बैंक है साथ में जी, 152 आइटम। 6 गेंद के अंदर 6 सिक्सर के 11000 11000 21000 5 छक्के के 21000 रुपए। 6 गेंद के अंदर 6 सिक्सर के 11000 इनामों की बारिश। आखिरी ओवर को अंजाम देने के लिए मोंटू पटेल क्या करते हैं, मोंटू पटेल अंतिम ओवर राहुल निकल पहुंचे हैं। दोबारा पीछे के लिए राहुल की पहली सिक्सर करी है, या मोंटू पटेल ने सुपर सिक्सर निकाला है। 158 जो फिल्डरी 100 आते हैं, 5 तो 21000 है और 6 आते हैं तो 11000 है। बहुत बढ़िया, टोटल 31000 है। या 5 सिक्सर अब लगा देते तो 31000, अब 4 चाहिए, 4 के 21000 5 आएंगे तो 11000। 11 मारो 11, 21 चाहिए, 21 चाहिए। या बिल्कुल क्या होता है, गेम जारी, 5 गेंदें बची है। दोबारा राहुल अपनी बॉलिंग पे सामना करेंगे मोंटू पटेल, अच्छी गेंद है। बल्लेबाजी अब 2 लगाते हैं तो 21 का तो पक्का है। 5 के भी 2 आए हैं, 3 लगते तो 21000, 4 लगते हैं तो 11000 जी। हाँ अब 2 लगा के तो 11 तो पक्के हैं जी। या 3 लगा के तो ये हमारा सिक्सर निकलता तो 1000 है। या हैट्रिक के 1000 है, लाजवाब। या हैट्रिक के 1000 अलग है, 1000 हैट्रिक के है, 5 के 21000 है, 6 के 11000 और हर छक्के के 200 रुपए। पीछे के लिए, पीछे के लिए, बंटू के लिए। ओ नहीं निकल पाए,
फील्डर पीछे है, सिंगल एक और मिलता हुआ। 21,000 बचे हैं और फिर 11,000 भी बचे हैं। अभी तीन है, तीन गेंदें बची है। जी सिंगल नहीं, सिंगल नहीं द्वारा है, 164 बने हैं, तीन बचे हैं। इसको मैं बोल दूं, एक ही से दोबारा भी चिकन लिया। अब दो बची है गेंदे, अब दो बची है 167। तो मैं क्या बोलूं, जैसा बोल दो विष्णु भाई कुछ बोल दो, दो सिक्का के 2100। जी हां, विष्णु भाई और जयेश मोदी कमाल धमाल कर रहे हैं, अपने टीम को अपने प्लेयरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज लीडर होकर इनाम घोषित किया है। दुबई से धीरम लेकर आए हैं जी, जी भी लेकर देते हैं थोड़ा दिया। राहुल भी पट्टा पे जवाब है, फील्डर पीछे है, डेविड कप्तान मिस करके इसके पास चार भी ले गया। आउटरी 168 एक बचा, इसके बाद कुछ बोल दो, आखिर में एक एक बार बोलना है। 1,000 आप 1,000 रुपए सिक्स निकाल दो, 1,000 रुपए का इनाम जी। वीरम लेकर आए दुबई से, अंतिम बॉल फारी का आखिरी दोबारा पीछे राहुल अग्रवाल के लिए, लेकिन शॉट है, फील्डर नीचे और विकेट गया, आउट ओवर समाप्त। 168 बने और 169 का टारगेट मिला है यहाँ डेविड को, 169 का टारगेट मिला है पहला इनिंग पूरा, 168 रन बनाए, 169 का टारगेट। और जो जो इनाम है वो इनाम हम सदियों के हमारे लिस्ट बताएंगे, किस बल्लेबाज ने कितने सिक्स निकाले हैं, कितने कितने पैसे हुए हैं। टोटल 20 छक्के निकले हैं, टोटल 20 छक्के। अमर ठाकुर के 5 सिक्सर, मैंडिस का 1 सिक्सर, पहले लास्ट में जो जो इनाम और हैट्रिक मंसूरी के 1,000 है वो 1,000 भी आप लिख लेना। 169 का टारगेट, पहला इनिंग पूरा। टारगेट 169 शानदार क्रिकेट। મને નહીં કાલે ફોન પે કે
क्या पैसा Alto bande bande bro ka ko share ho raha hai chale raha hai bhai ye kali nahi pur ki jaane ke liye na ab kam kar rahe hain bhai ka wah bhai ka bande chhodiye de paathri oh log se ya to score batawe ye chhodiye de paathri बराबर चालू करवा सेकंड रिलीज की शुरुआत आर्मी यूनाइटेड का टूर्नामेंट 2023 फाइनल मुकाबला दिल्ली बनाम डेविड 11 के बीच में फील्डिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की 168 बनाए 169 का टारगेट आया है 169 बना रहे हैं शानदार बराबर चालू करवाए अब टिटी खेल ऑफिसर कौन है टिटी खेल ऑफिसर स्पीड रखे जल्द से जल्द चालू करवा भाई 169 का टारगेट आया है ठीक है खेल है बड़ा उलंग फोटो है शानदार बल्लेबाजी कर दी 168 बनाए हैं 169 का टारगेट आया है 169 दुबिन बराबर चालू करें भाई जल्दी कृपया आप गेम को स्टार्ट करें तुरंत फील्ड से जाए टीम फील्डिंग 169 का बनाने या जीतने के लिए ग्रैंड फाइनल 2023 आलोदी नाइट सोलना का ये टाइटल जीतने के लिए 169 का टारगेट मिला है डेविड इलोन को इस प्रकार से ये चीज करते हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति में गया इतिश लग रहा था कि 150 प्लस जाना मुश्किल रहेगा लेकिन अंत के ओवर में बहुत अच्छे खेले और 150 शानदार बल्लेबाजी अब 100 रन बनाए बहुत ही अच्छा खेला शानदार पारी और 168 तक पहुंचे 169 का टारगेट मिला है और ये चार ओवर का जो पावर प्ले है वो इंपोर्टेंट रहेगा यह टीम डेविड के लिए इस प्रकार से शुरुआत करते हैं चार ओवर को पावर प्ले को किस प्रकार से खेलते हैं जी मैच समय पर नजर डालते हैं तो 0 रन पे नरेश आउट हुए थे नीतीश अंबर ठाकुर ने बनाए मैनिश ने 6 रन बनाए दिलीप ने 11 बनाए बिलाल बिना खाता खोले आउट हुए थे आर्य ने 22 बनाए ईशान मंसूरी ने 34 रन बनाए मेहुल प्रजापति ने 13 बनाए मंटू पटेल ने 32 बनाए और आशीष दीवान 12 उन्होंने 12 बनाए धनंजय के नाम 3 ओवर 40 रन 4 विकेट दो दो विकेट कमल भोजक और राहुल को मिले हैं राहुल ने 3 ओवर में या 2 ओवर में 25 कमल ने 3 ओवर में 43 विशाल बारूद 1 ओवर 26 रन ये लेखा जोखा यहाँ पे मैच समरी 169 का टारगेट है 169 बनाने भाई बल्लेबाज भेजे बल्लेबाज आजा भैया बल्लेबाज बल्लेबाज पहुंचे जल्द से जल्द बल्ले, 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 बल्ले,
जल्दी भाई फिर से जाया है टीम वहां बिलरी तुरंत कृपया दोनों सेना में चोरी को भेजे या डीवीडी लेवन हो तुरंत कृपया 169 का टारगेट का पीछा करना है तुरंत फिर से जाए भाई बिलरी रेडली विकेट लड़का दे है गेंदबाज भेड़ी को तो 51 रुपए जयेश भाई मोदी की ओर से 51 रुपए का इनाम विष्णु भाई की ओर से भी 51 जयेश भाई के दोनों की ओर से 51 इनाम है या बहुत ही बढ़िया 10,000 के ऊपर का इनाम जीतने का अवसर है या हितेश हैट्रिक विकेट पर जी तारीफ करूंगा बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसा क्रिकेट अच्छा इतना इनाम की बौछारें भी फील्डिंग के द्वारा हो रही है तारीफ करूंगा 169 का टारगेट आया है जल्द से जल्द यहाँ पे चालू करें टाइम न बिगड़े बराबर यहाँ पे गेम को स्टार्ट करें समी में 12 तारीख को टूर्नामेंट की एकता नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट समी में 12 तारीख को टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है समी में नाइट टूर्नामेंट 12 तारीख से टूर्नामेंट का शुभ उद्घाटन समी में नाइट टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है जिनको खेलना है हमारा जीतू बागा परेश भाई का दोनों बल्लेबाजों को भेजे कृपया तुरंत संकेश्वर हाईवे पे बहुत ही बड़ा आयोजन समी में नाइट टूर्नामेंट भाई जीजे 1799 अल्टो मारुति सुजुकी ये भाई नो प्रूफ मॉडल से तो भाई ले जाओ बिल रमेश भाई बल्लेबाजों को भेजे कृपया डेविड दोनों सलामी जोड़ी को भेजे या डेविड इन दियो तो और जी हाँ दोनों बल्लेबाजों की एंट्री होती हुई है ग्राउंड के बीच तुरंत फील्ड जदवाए भाई बॉल ऑफ द डे जल्दी भाई नाथाला प्रोग्राम फील्ड के लिए बोले जल्दी टीम को फटाफट यहाँ पे फील्डिंग की सजावट करें बल्लेबाज विपुल सिंह और युवराज कालरी और विपुल सिंह खड़ा दोनों बल्लेबाज दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज 169 का टारगेट फील्डिंग की सजावट करें भाई जल्द से जल्द यहाँ पे मैच को स्टार्ट करें 169 बनाने हैं यहाँ अब ग्रैंड फाइनल का सेकेंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ इसकी शुरुआत यहाँ पे होने जा रही सेकेंड इनिंग 169 का टारगेट आया है जी लाइटिंग वाले का ही घूम हो गया है
और दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में है। अब ग्रैंड फाइनल का सेकंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ 169 का टारगेट को पीछा करेगी। इस टाइटल को जीतने के लिए टारगेट मिला है यहाँ डेविड इलियन को। स्ट्राइक पे है यूवी नॉइस, स्ट्राइक पे है विपुल सिंह वाघेला और गेंदबाजी में पहले ओवर डालेंगे यहाँ मेहुल प्रजापति। पहले ओवर डालेंगे शानदार ग्रैंड फाइनल का सेकंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ आज का अंतिम फाइनल का अंतिम इनिंग। युवराज काल रे स्ट्राइक पे पहला बॉल लेफ्ट आर्म राउंड के आय शानदार गेंद पहला गेंद गेंदबाज पांव पे डाला जाता है। बहुत ही अच्छा शुरुआत मेहुल के द्वारा सुरक्षित करने की कोशिश किया सीधा पांव पे ज्यादा गिराना दोनों बहुत अच्छी शुरुआत। फिर से अपने गेंदबाजी में वापस थर्मैन गली बैकवर पॉइंट फॉर एक्सकवर मिड ऑफ लेफ्ट साइड का फील्ड। गेंदबाजी में वापस मेहुल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओ बिल्कुल हटे थे यार डेड बॉल है यहां जी डेड बॉल है सामने कुछ आया मेरे ख्याल से क्या हुआ है शायद आया मैं एक्शन के बारे में नहीं नहीं एक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है सही एक्शन के साथ बॉल डाला था लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे मेरे ख्याल से जी हाँ जी हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी छोड़ा है उन्होंने गेंद को कुछ प्रॉब्लम नहीं जी उनके हाथों के सामने कुछ आया इसके चलते समझ ही नहीं पाए थे छोड़ दिया था उन्होंने। फिर से अपनी गेंदबाजी में मेहुल गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म राउंड गेंद अरे वासी पर शेर अभी हाथ है शानदार स्ट्रोक जी लाल भाई बता रहे वेलकम डी ओनर से अच्छा स्ट्रोक यहाँ भी युवराज की जीत की तारीफ करने का बहुत ही अच्छे बल्लेबाज और रोशन ने अच्छा खेला था उन्होंने यहाँ जान अलग में डाली थी आठ ओवर तक को मैच को 235 का स्कोर को पीछा कर रही थी उस मैच में क्या पानी खेली थी आठ ओवर तक वन सेट में जा रहा था इतने हम दोनों कॉमेडी कर रहे थे उस मैच में और जासन राणा ने भी अच्छा स्टार्ट दिया था। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल छह बिना की टॉप पहली ओवर कस्टा आगे जो है सेकेंड बॉल पे है सुपर सिक्स चढ़ाया युवराज ने बहुत ही बढ़िया शॉट था और रिवर्स से बहुत अच्छा खेलते हैं शानदार तरीके से खेलते हैं बॉल ऑफ द विजय बहुत ही अच्छा स्ट्राइक है रिवर्स से किया दर गेंद कवर के ऊपर से शानदार बाहर गया ना वो बॉल भी वापस आ गया है कमाल का ही युवराज कालरे के बल्ले से रिवर स्वीपर छह के साथ आगाज हुआ है शानदार शुरुआत डेविड इलेवन के शानदार बल्लेबाज 169 बनाने हैं बहुत ही अच्छा स्ट्रोक कमाल की बल्लेबाजी युवराज के बल्ले से फिर से अपनी गेंदबाजी में वापस लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और दर्शन के बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और गेंद जाएगा सीमा पार आगे निकल कर रहे परेश भाई या बिल्कुल और शानदार तरीके से इसको शॉट खेला और गेंद फाइनल की तरफ निकाल दी चार रनों के लिए 10 पे कोई भी पहला ओवर चल रहा है और पावर प्ले बहुत अच्छी तरह से खेलना पड़ेगा यहाँ चार ओवर का पावर प्ले के अंदर 50 के करीब रन बनाने पड़ेगा डेविड को अगर इस फाइनल मैच को जीतना अगर इतना रन बन गया इतना स्टार्ट बगैर विकेट के हुआ तो बड़ा जीत की ओर जाएगा तुम्हारे की एक और अच्छी बॉलिंग कर बढ़िया गेंद एक और पैटर्सन का प्रयास था लेकिन इस दफा असफल चीज हुआ नहीं रास्ते को भी नहीं टीम मार डेविड इलेवन जो कि टेन का लॉस 169 का पीछा कर रही है टीम डेविड इलेवन का इस ग्रैंड फाइनल को जीतने के लिए गेंद तो बहुत ही अच्छी वापसी है जरों का बॉल डाला था पांव में डालने के साथ खुद ही गेंदबाज जाकर गेंद को रोके फिर से बढ़िया बॉल फिर से उड़ाने की कोशिश लेकिन इस समय गेंद को फिर करें बहुत बॉल 10 बने हैं पहला ओवर चल रहा है शानदार वापसी दो बैक टू बैक दो बॉल डाले हैं बहुत ही अच्छा गेंद मिड विकेट के ऊपर से निकालने की कोशिश किया जिला पाव में जाकर कराया था बहुत ही बढ़िया गेंद डाला शानदार गेंद लिया एक बार अच्छी बॉलिंग कर दिया गेंद
सिंगल जरूर मिलेगा या विराट कोहली सिंगल के साथ काउंट डाउन को 6-11 बिना की तो पहले ओवर के खेलों को 11 नोला स्कोर टीम डेविड दी उधर पहले ओवर में 11 रन बने हैं बिना किसी नुकसान से लेग बाय का इशारा हुआ था प्रभुराम भाई के द्वारा पहले ओवर में 11 बने हैं एक ओवर की समाप्ति 4 ओवर का पावर प्ले 12 ओवर का मैच 169 बनाने हैं तो सही शुरुआत यहां पर देखने को मिली है पहले ओवर में 11 रन टीम बना चुका है जी हां बिल्कुल 11 पे विकेट ने ओवर नंबर पहला खत्म हुआ है 169 का बड़ा टारगेट जरूर एक फाइटिंग टोटल की पर एक बेहतर टोटल की तरफ गया या टीम फील्डिंग का स्टार्ट हुआ था 36 के ऊपर 4 विकेट चली गई थी तब लग रहा था कि इस फाइनल का कितना टोटल बनाएगी इसके बाद फिर उतार चढ़ा हुआ फिर 150 प्लस जाने का सोचा लेकिन इसके बाद अंत की बेहतर ओवर खेली और 168 बनाए और 169 का टारगेट मिला है और गेंदबाजी में आसिफ दीवाने यहां पे गेंदबाजी करेंगे अपने इसराइल का पहला ओवर पारी का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अपने इसराइल का पहला इनिंग्स का दूसरा ओवर पहले ओवर में 11 बने दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है आसिफ दीवान गेंदबाजी करेंगे हर विकेट पर आसिफ दीवान को 500 रुपए अजीत बाबा की ओर से हर विकेट पर 500 रुपए आसिफ दीवान को अजीत बाबा की ओर से शानदार हैट्रिक लगा तो जयेश भाई की ओर से 5100 विष्णु दुबई 5100 जी हाँ बिल्कुल बेड़े लेकिन यहाँ पे दुबई से धीरम लेके आए गाड़ी में करूंगा चार ओवर का पावर प्ले बहुत अच्छी तरह से खेलना पड़ेगा यहाँ बहुत अच्छी तरह से खेलना पड़ेगा बहुत अच्छे गेंदबाज 12 बना चुका है आसिफ दीवान यार डेविड अंदर है कुछ बातचीत के लिए अंपायर के साथ जी भाई अंपायर लेने लेंगे बॉलिंग ना पर गेंदबाजी में आसिफ दीवान गेंदबाजी करेंगे युवराज स्ट्राइक पर लेफ्ट आर्म ओवर जार थोड़ा है खेलने के लिए तैयार नहीं है रेडी गेंदबाजी कर रहे हैं और कितना देर कभी भी हमारे घर से हो रहे हैं और હલો 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 ભાઈ બહારથી કોલ જે તમે સાંભળીને ભાઈ પ્લેયર ઓફિસર નો મહેરબાની કરીને હલો સારા ખેલાડીને પહેચાન નથી મહેરબાની કરીને મહેરબાની કરો એવું લાગશે તો અમારે એમ્પાયર એમને નો બોલ એક્શન જાહેર કરી દેશે મહેરબાની કરીને કોઈ બહારથી ભાઈ ઇશારો ના કરો મહેરબાની કરો કોઈની ફાઇનલ ના બગાડો મેને દેખા હું તો હલો 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 દરિયા ભી બતા અંદર ના આવે મહેરબાની કરો યાર મહેરબાની કરો અંદર કોઈ ના આવે બતા યાર હલો હલો પે નો ઓબ્જેક્શન મહેરબાની કરો હલો હલો એમ્પાયર મહેરબાની કરીને ઓબ્જેક્શન બહાર છે ના સુને મહેરબાની કરીને હલો હલો ધનંજય ભાઈ મહેરબાની કરે ધનંજય ભાઈ જૈસે કે આપ એક અચ્છે ખેલાડી ધનંજય ટીજે મેચ શરૂ કરે ભૈયા મેચ શરૂ કરે ગુના ભાઈ હલો પ્રભુરામ
जेसीपी जासूस वाला टूना पड़ेगा तेरे उन्होंने गेंदबाजी की थी यस अगर ऐसा लगेगा तो हमारे एम्पायर दे देंगे उनको यस मेहरबानी करें भाई मैच शुरू करो पहले जल्द भाई टाइम का विकेट है प्रभुराम जोशी माटालाल तुरंत गेम स्टार्ट करें भाई जल्दी कृपया क्योंकि आसिफ दीवान ने पिछला फाइनल जासिर वाले में खत्म किया था वह उनका चार ओवर का स्पेल डाला गया था कृपया प्लीज कृपया क्योंकि बहुत सही एक्शन से डाल रहे हैं अब टाइम ना बिगड़े क्योंकि वहाँ चार ओवर हमने देखिए हम कमेंट्री कर रहे थे जासिर वाले में पूरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था बिल्कुल सही इसी एक्शन से डाली थी ओवर उन्होंने तो कृपया करके आप गेम को स्टार्ट करवाएं भाई भीतर भावना के साथ खेले टूर्नामेंट को सपोर्ट करो जल्द से जल्द यहाँ पे चालू करवा दो भाई तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी गेंदबाजी करी है और सभी टूर्नामेंटों में गेंदबाजी करी है तो वो गेंदबाजी करेंगे और गेंद्र कभी भी बराबर चालू करवा दो भाई एक्शन आउट लगेगा तो एम्पायर निर्णय लेंगे बाहर से इशारे में कोई फायदा नहीं है जी हाँ जी बिल्कुल एम्पायर खड़े हैं अगर इसे कुछ आउट लगेगा तो जरूर मोबाइल करा देंगे कृपया जल्द भाई यहाँ जुडिशियल कमेटी भी बैठी है निर्णय करने के लिए नाथालाल बहुत अच्छी साथ में आप मुख्यमंत्री नाथालाल साथ में कमेटी भी है बराबर चालू करवाए अपील न करे और प्लीज कृपया करके मैच को स्टार्ट करे ज्यादा टाइम न बिगड़े बराबर यहाँ पे चालू करवाए स्पीड रखे बराबर यहाँ पे गेम को स्टार्ट करे चालू कराए सर नाथालाल चालू कराओ फटाफट मैच चालू करवाए फटाफट ज्यादा डाउट लगेगा तो एम्पायर इसका निर्णय लेंगे बराबर मैच को स्टार्ट करें ज्यादा टाइम न बिगड़े અવસંસ્કાર્ય પ્રગતિનો થતો હોય ખૂટે હાથે બધા નાણાં આપતા હોય કોઈ કાળો લેખાડો હોય કોઈ શુદ્ધ રોકડા આપ્યા હોય કોઈ ઢોળ ભરો છો આપ બધા જી बहुत मान स्पॉन्सरशिप लिए जयेश मोदी ने लेकिन उनकी कोई गर्मा गर्मी नहीं है बिल्कुल साफ स्पॉन्सर है तब जो भी दमखम दिखाएगा वो जीतेगा चालू करवा दे फटाफट शानदार गेंदबाज आसिफ दीवान गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ और आसिफ जाएंगे गेंदबाजी में दोबारा भी जीरो उधर दोबारा सेकंड चल रहा है दोबारा दीवान उधर दीवानी बाबे सफर करेंगे युवराज दोबारा भी सेकंड दिया आसिफ की ऊपर नंबर दोबारा भी सेकंड दिया आसिफ दीवान की लपेटा यू सी दी ओवर ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट सिक्स फॉर यू 18 बिना की चौथी मां डेविड लोन दियो दर लाजवाब कमजोर गेंदबाजी की सही फायदा उठा रहे टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 पे लाजवाब बल्लेबाजी मिडिल लेग स्टंपर बहुत सारे गेंद सीधा मिड विकेट के सीमा रेखा के बाहर 18 बने जैसी बॉल मिडिल लेग स्टंपर अंदर और गेंद को मिड विकेट के ऊपर जाना पड़ा 6 लाजवाब बल्लेबाजी छेड़ने पे उड़ा काल के बल्ले से दोबारा पीछे आशिफ दीवान दीवानी बाबे सामने करेंगे युवराज दोबारा पीछे के लिए युवराज के लिए
नंबर ज्यादा बाहर वाइड गाइस आर एम्पायर के द्वारा वाइड स्नैप पर सिंगल यूज वाइड 19 विदाउट द मिस ऑफ द बॉडी बैक 169 विद द नंबर नंबर 7 मिस ऑफ कम दोबारा से आसिफ दीवान को दीवानी गांव में सेकंड ईयर एक कॉर्नर शॉट आचार बटरी का बाउंड्री युवराज साउंड की जितनी तारीफ करो इतनी कम हमारी कमेंट्री पूरे जो ग्राउंड में पहुंच रही है चामुंडा साउंड एंड नंबर चामुंडा साउंड एंड मंडप एंड डेकोरेशन कन्हैया मंडप और चामुंडा साउंड वाले तारीफ करूंगा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने साउंड को सजाया है दोबारा भेजिए आसिफ दीवान अब दुकानी बाबे 23 पे कोई विकेट दिया टीम बात डेविड इलोन की 23-0 ऊपर नंबर बारी का सेकंड चल रहा है बहुत ही बढ़िया मणालाल के गरबा गरम घोट रहे खड़ा से हरा पेड़ ले आए मणालाल भाईलाल जो के गोटे बना रहे खतरनाक आप बुआ जी सुराने में आए सुराने की गाय में भी तो आपका नाइट फेल फिर से बहुत अच्छी फॉर्म का बढ़िया गेंद जो सुराना में आए सुराने की चाय नहीं पी तो आपका नाइट फेल मणिलाल के गोटे नहीं खाए तो आपका नाइट फेल गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म गोटे मणिलाल जो के आप एक बार खाएंगे तो बार बार मन करेगा खाने का और आज जी क्या दिन भूल देने वाला है दोबारा भेजिए आसिफ दीवान गुड मॉर्निंग बाबे सफर करी के विराज अच्छी फोटो का बढ़िया गेंद कमांड गेंद 23 पे कोई विकेट नहीं ओवर नंबर रनिंग चल रहा है पानी का सेकंड ओवर चल रहा है बहुत ही अच्छी पानी फॉर आसिफ दीवान 23 मिनट की चौथी डेविड जी और लाइव जो ये भरत रावल की मैच का एंजॉय कर रहे हैं भारी से करूंगा वो भी यहां पे उसका भी कॉल आया लाइव देख रहे भरत भाई गेंदबाजी में वापस अच्छा गेंद यहां पे दिलेश को करने की कोशिश शानदार यॉर्कर 2 ओवर में 23 दो ओवर 23 बटे जो भी 23 बटे या टीम डेविड इलोन डिवेडर के 23 या स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा चार ओवर का पाव प्ले बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला दो ओवर बचे पाव प्ले के बचे हैं करीबन 50 के करीब जाना पड़ेगा बिल्डिंग लीड को चार ओवर में 36 रन पे चार बल्लेबाज आउट हुए बिल्कुल और क्या शानदार कमबैक किया 168 तक पहुंचे कमाल का बल्लेबाजी की अंत की ओवर में लाजवाब हैट्रिक छक्का है कोई भी गेंदबाज तो जस मोदी की ओर से 51 रुपए विष्णु भाई भिरडी दुबई से यहां तक पहुंचे हैं 5100 रुपए दुबई रहते हैं लेकिन आम तौर पे भिरडी जो विष्णु भाई जी फ्रॉम दिल्ली विष्णु भाई 23 मिनट की टॉप दोबारा मेहुल प्रजापति आए गेंदबाज में सेकंड ओवर अपना मैच कौन को लेकर पहुंचे या तीसरा सामने कर गया विपुल सिंह वानीला दोबारा भी से मेहुल अब दोबारा भाग गए सामने करके विपुल सिंह के लिए गेंद बाहर सत्री के साथ 24 बगैर विकेट 24-0 और कमाल का सेमीफाइनल में पारी खेला था 65 रनों का विपुल सिंह वाघेला ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी कल फिर से गेंदबाजी में और शानदार स्ट्राइक विपुल सिंह के बल्ले से और गेंद जाएगा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी विपुल सिंह के बल्ले से 30 बने जैसी बल ऊपर मिली थी सही स्ट्रोक पर गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर लाजवाब हिट कमाल का शॉट मिडो बाउंडिंग के ऊपर से 6 निकाल लिया विपुल सिंह वाघेला ने 30 बिना की चौथी में डेविड इलोन दियो 3-0 डॉलर्स ऊपर नंबर पारी का पार्टी चल रहा है प्रजापति अपने स्पेल का तीसरा मैच का नंबर तीसरा लेकर पहुंचे ऊपर पीछे के लिए अमोल प्रजापति की कमाल का शॉट की बल्लेबाजी जैसे बल ऊपर मिला था सीधे बल्ले से बन गया था इनफील्ड को क्लियर किया और गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन बाउंड्री
Pelan, karena level mat pohce ya, Kuldeep Bharoja, classical player pohce ya, Aitisha, Kamal ka pattern Dhyan Bhan aur Shan, Kuldeep Bharoja pohce ballebazi ke liye. Aur pehla jharka laga hai Big Vipul Singh out, pehla wicket, pata ke bhul rahe hain jaise wicket aa raha hai wo. जयेश भाई और विष्णु भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बिल्कुल मजे में नजर दिख रहा है पहली सफलता। यहाँ पर डोबी को निकलना मुश्किल हो गया है, अंदर घुसने जरूरी है लेकिन बाहर जाने के लिए रास्ता मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, जाने दीजिए जाने दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, 34 10 हैट्रिक बॉल फॉर मेहुल प्रजापति, क्या करते हैं हैट्रिक चटका पाते नहीं लेकिन बहुत बड़ा विकेट, दोनों बड़े विकेट हाथ में, ये पहले विपुल सिंह अकेला और अब कुलदीप बारोट को चलने की, और अब नए बल्लेबाज पहुंचे उनके ब्रदर विशाल बारोट की एंट्री हुई है, क्या होता है हैट्रिक चटका पाते या नहीं। यहाँ मेहुल प्रजापति लाजवाब गेंदबाजी, 34 गेंद पे दूसरा विकेट, यहाँ टीम डेविड इलोन का जाता हुआ 34-2 का हैट्रिक बॉल पर है यह मेहुल, दोबारा बीसी मेहुल पर जबरदस्त दोबारी बाबे अच्छी गेंद, यह अच्छी गेंद, यह गेंद सही निकालने पर डाला है रन भी कोई जवाब नहीं, 34 की का डेविड इलोन की होता 24-2, क्या जबरदस्त स्टार्ट, क्या जबरदस्त गेंदबाजी हितेश इस ग्रैंड फाइनल में यहाँ बिल्लरी के द्वारा। जी कमाल की वापसी दो विकेट इसी ओवर से, स्वाद बॉल इस बार विकेट पाने के खिलाफ पॉइंट की निशाना गेंद को फील्ड कर रहा है, बेहतरीन फील्डिंग ओवर की समाप्ति, 3 ओवर में 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। क्या बात है, तारीफ करूंगा जी, आलू ठोकड़ी और स्कूल के लिए, स्कूल के लिए 11,000 रुपए दिए जयेश भाई मोदी और विष्णु भाई ने 11,000 रुपए दिए हैं, तारीफ करूंगा 11,000 रुपए दिए हैं उन्होंने, सराहना करूंगा। आलू ठोकड़ी स्कूल के लिए उन्होंने 11,000 रुपए दिए, जितनी सराहना करूंगी कब परेश भाई, जितनी तारीफ करूंगी कब। बिल्कुल
दिलदार है इंसान है इन्होंने जो स्कूल के लिए 11,000 के योगदान दिया है बहुत बहुत धन्यवाद जय मोदी का और विष्णु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ करो का इन दोनों की जितनी सराहना है करते कब 11,000 रुपए दिए हैं आलू को स्कूल के लिए उन्होंने तारीफ करो का जितनी सराहना है करते कब जितनी तारीफ करते कब जल्द से जल्द चालू करें तीन ओवर में 34 रन दो विकेट के नुकसान रहे शानदार मुकाबला बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट और फाइनल 169 का पीछा कर रहे 34 रन के दो बल्लेबाज आउट तीन ओवर का खेल पूरा चौथे ओवर की शुरुआत लास्ट ओवर रहेगा पावर प्ले का चौथा ओवर यहां पे स्टार्ट होने जा रहा है गेंदबाजी में चार ओवर का पावर प्ले है जिया तीन ओवर में 34 विशाल बहरो नॉन स्ट्राइकर आसिफ दीवान गेंदबाजी करेंगे अपने इस बल का दूसरा ओवर पारी का चौथा ओवर आसिफ दीवान गेंदबाजी करेंगे हेलो नाथाराज कट कर दो उसको स्वीट के बराबर चालू करें ज्यादा टाइम न बिगड़े स्वीट के भैया जल्द से जल्द चालू करवाए फटाफट स्वीट के जल्द से जल्द यहाँ पे मैच को स्टार्ट करा तीन ओवर में 34 रन दो विकेट के नुकसान दे चौथे ओवर की शुरुआत जल्द से जल्द यहाँ पे चालू करो भाई नाथाला बराबर मैच को चालू करवाए भैया जल्दी भाई हम गेम से करें एम्पायर जल्दी कर दिया भाई आपने वैसिन ने लाइन में बिलाल ने लाइन में मैं भाई जल्दी रुपया जो बोलेंगे
બેટ્સમેન છે રેગ્યુલર બોલર છે બોલિંગ જલ્દી ભાઈ ટાઈમ ટેબલ કાઢે કૃપયા હા જો અને ઓછો ટાઈમ છે ઇન્ડિયા બોલર નહી ચાલે તમે શું બોલ્યા આઈડી તમને તમે તમે નંબર 1 આવો ને મોડે તમારા મતે તમે વિચારો છો તમે શું કીધું 1 લાખ કે કરી રાખવા છો તમે કોઈ રીતે ના પાઈ કે એટલે એક બોલે તમે બીજું તમે ના બોલો એમ્પાયર ને તમે ના બોલો યાર મોટી વાત ના કરો મોડી હું યાર જેટલી વાર જાદુ કર્યું જેટલી વાર જાદુ કર્યું હે હવે તમે મને મને દબાવવાની વાત કરો યાર તમે કીધું કે ના કે નહીં ના કે નહીં ના કે નહીં ના કે આપે પ્રેમથી વાત કર શાંતિ રાખી અમે સમજ્યા મારો મારો જય ભાઈ ને ખોટો શબ્દ કરો શબ્દ અમારે ખરાબ થાય તો તારા ને તો અમારે જોતી અત્યારે ગેર ગેર વેર વેર કરે અરો મારા મારા નામ એટલું ના હોય મારા નામ મુસ્તફા તો ભાઈ પ્રભુરામ ટાઈમ જાય છે ભાઈ જલ્દી દર્શકો જે આપણે બગડ્યા છે જોવા માટે આવ્યા છે અમને આપણે ટાઈમ ન બગડે બગડે અમે આપણું આયોજન બગડે એવી રીતે જલ્દી જીવો ફટાફટ જી ભાઈ બંને ટીમના પ્લેયરોને જોવા માટે આ ક્રાઉડ આવ્યું છે ભાઈ તો થોડી આપણે પણ થોડી હેલ્પ કરી અને આ ફાઇનલને પહોંચવાની છે ભાઈ જી ભાઈ આપ સ્ટાર પ્લેયર હૈ આપકો દેખને કે લિયે પબ્લિક પહોંચી હૈ ઓર આપ યહાં ઇસ પ્રકાર કા યે મેચ રુકા હુઆ રખેંગે યે અચ્છા નહીં હૈ અમ્પાયર પ્લીઝ प्लेयरों को कॉम्प्रोमाइजिंग करे भाई क्योंकि आपको देखने के लिए पब्लिक खड़ी है 12:30 बजे है भाई अब जल्दी से जल्दी गेम को स्टार्ट करवाए ભાઈ મેચ ચાલુ કરાવી દેશો બરાબર મેચ ચાલુ કરાવો આયોજન કોઈનું ન બગડે મિત્રો ખાસ બે હાથ જોડીને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે બધા શાંતિથી રમી અને આપણે ફાઇનલને ફોન કરીશું ખેલાડી ભાઈઓનો પણ સપોર્ટ હોવો જરૂરી છે એટલે બરાબર મેચ ચાલુ કરાવો ભાઈ 10 મિનિટની 2.5 મિનિટનો રિઝલ્ટ નીકાળો બરાબર ચાલુ કરવાનો ભાઈ અંતા વર્ગનાદર કમિટી નિર્ણય લેગી સીધે આલુદેવ કે સાનિધ્ય મેં સભી પૈસે જાયંગે ચાલુ કરાઈ દો નહીતર બેન બંધ કરાઈ દેવામાં આવશે ચાલુ કરાવો ભાઈ જી ભાઈ જલ્દી ચાલુ કરાવશો યાર બેચ ફટાફટ ચાલુ કરાવો Hey! 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 H
જી ભાઈ ચાલુ કરાવી દેજો ચાલુ કરાવી દો ભાઈ જલ્દી ભાઈ પ્રભુરામાં મેચ ચાલુ કરો ભાઈ કૃપયા ટુર્નામેન્ટો રમવા જવાનો છે એનું ધ્યાન રાખજો મિત્ર ભાવનાથી બધા રમી લેજો ભાઈ કોઈનું આયોજન રમકડે મિત્ર ભાવનાથી રમી લેશો બંને ટીમના કેપ્ટન મિત્રોને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આજે સુરાને આયોજન કર્યું છે કાલે બીજા કોઈ આયોજન કરશે એટલે ન થવું જોઈએ આપણને આટલા સુધી સાચવાથી આયોજકો તો આપણે આયોજકોને સાચવી લઈએ એ આપણે ફરક ખેલાડીઓને બને છે એટલે મહેરબાની કરીને બરાબર ચાલુ કરાવો સારું નથી દેખાતું ભાઈ આપણા ડ્રાઈવરોને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે આ વસ્તુ સારી નથી દેખાતી ચાલુ કરાવો ફટાફટ ચાલુ કરાવો જે જે આયોજન કરી બધાને આયોજન કરવું કોઈ સહેલું કામ નથી ભાઈ બધે મહિના આયોજન ચલાવો બધાને સાચવવા આટલા સુધી તમને સાચવે છે આયોજકોને આટલો દિવસ આપણે સાચે બનાવે છે સપોર્ટ કરો આજે સુરાના છે કાલે બીજું ગામ હશે બીજું ગામ હશે પછી આવું થાય તો ટુર્નામેન્ટો બધી બંધ કરી દેવામાં આવશે એના કરતા બધા મિત્ર ભાવનાથી રમી લો તમારા કિસ્મતમાં હાર્દિક કિસ્મતની વસ્તુ છે પણ પ્લેયર સામો પણ જોશો જે ટુર્નામેન્ટનો રૂલ્સ હોય એ રૂલ્સના મુતાબિક આપણે ચાલી છે ભાઈ આલુ દેવની સોંગન બધા બહાર આવી જાય ભાઈ મેદાનમાં કોઈ ના જશો મહેરબાની કરીને જલ્દી ભાઈ જલ્દી કૃપયા તમારે પણ પ્લેયરોને સાથ આપવો પડે બંને ટીમોને નમ્ર વિનંતી ભાઈ કોઈનું આયોજન બગડે નહીં તમે તમને જે પ્રેમ આપે છે પબ્લિક તો તમને જોવા માટે આવેલી છે અને પબ્લિકને હેરાન પરેશાન કરવાનો તમારો ધોરણ નથી આવતો ભાઈ જે છે તે નિર્ણય વર્ગીના જે કમિટી મેમ્બર તમને આપે છે એને માન્ય રાખો ભાઈ જલ્દી કૃપયા હા ભાઈ બીજા બહાર નીકળી જાવ ભાઈ ચાલુ થાય છે મેચ આપણે ભાઈ બીજા બહાર આવી જાય હેલો જલ્દી કૃપયા બીજા બહાર નીકળી જાવ ભાઈ બહાર આવી જાવ જે ટુર્નામેન્ટમાં પહેલથી જ હોય ને કે ડાઉટફુલ નહીં ચાલે એમ નહીં ચાલે ભાઈ ચાલ્યા છે તો ચલાવવામાં આવશે એનું ખાસ ધ્યાન રાખશે ભાઈ બીજા બહાર નીકળ્યા ભાઈ અરે ભાઈ મહેરબાની કરીને બહાર નીકળી જાવ તમારે એક્ચ્યુઅલી નીકળી સભી દર્શક મહારાજા દર્શક કેમેરા ફેરવું કંટ્રોલ
બેવરેન જીતાલી તો કરે બેવરેન જીતાલી ઇફોલા રેડી 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 ભાઈ દર્શક બધા મેદાનમાં છે, ભાઈઓને વિનંતી કે મારા આવજો પ્રેમથી. જે બા મેદાનમાં ઉભેલા ભાઈ હારુ દેવીની સ્વાગત છે, બધા મારા આવો. જીગો મેદાનમાંથી બહાર આવી જો ભાઈ. જીગલા શું કરું, બંધ કરો બોલી ભાઈ, ધરમથી ચાલુ કરાવશો. બહાર આવજો ભાઈ, બહાર આવજો ભાઈ. દર્શકોને નમ્ર વિનંતી કે બહાર નીકળી જાઓ, ગેમ ચાલુ કરાવો ભાઈ. 12:30 વાગે છે ભાઈ. આ ફાઇનલ જોવા માટે આવેલી પબ્લિક છે ભાઈ. આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ બંને ટીમોને કરવી પડશે ભાઈ, જલ્દી ફટાફટ. અને ઓર્કી ના જોઈએ, નમ્ર વિનંતી ભાઈ, જીવો લઈને આપી દો ભાઈ. એમ આ રીતે ના ચાલે ભાઈ. જીવો છે તમારે હેલ્પ કરવી પડે ભાઈ. આજ સુધી તમને સાચવા છે, તો તમારી ફરજ આવે છે કે જે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટી મેમ્બર છે ભાઈ. દરેકે દરેક ક્રાઉડ જોવા જે જગ્યાએ પોતાની જગ્યા જાય ભાઈ. ભાઈ તમે જેટલા જલ્દી સ્પીડ થી ગ્રાઉન્ડ બહાર છોડશો એટલે મેચ ચાલુ થાય ભાઈ. નિર્ણય આવી ગયો છે, તમે બધા બહાર નીકળી જો ભાઈ. બરાબર બોલે બધા જાય પણ ફેલ થતા જલ્દી ભાઈ. ભાઈ 12:30 વાગે છે. જે લોકો જે ક્રિકેટને જોવા માટે મેચને ફાઇનલને જોવા માટે આવ્યા છે એ લોકો એ ક્રાઉડ સામે વિચારો ભાઈ. અને ક્રાઉડને નમ્ર વિનંતી ભાઈ, તમે જલ્દી ગ્રાઉન્ડ ખાલી કરો એટલે મેચ ચાલુ થઈ જાય ભાઈ. ખરેખર આ લાઈવ ચાલુ છે, ભલે વસ્તુમાં કાંઈ નથી પણ જે આ થોડું ગ્રાઉન્ડની અંદર દેખાય એ વ્યાજબી વસ્તુ નથી. કોઈનું આયોજન બગડે કારણ કે અવસર છે ભાઈ. ગમે કોઈ પણ જે અવસર હોય એની અવસરની અંદર કાંઈ પણ વસ્તુ બને એ વ્યાજબી નથી હોતી. અને ખાસ પ્લેયરોને નમ્ર વિનંતી કે તમે સાથે રમવાવાળા છો બધાએ, એટલે તમે તમારી રીતે થોડું આયોજકો સામે જુઓ. જે ગ્રાઉન્ડની અંદર તમે રમવા ગયા છો, જે ગ્રાઉન્ડની અંદર જે તમને ક્રિકેટ વતી પ્રેમ
મળે છે એ એ પણ થોડું વિચારો ભાઈ ક્રિકેટ જે મેચ છે એક શિકારની બે બાજુ ભાઈ હાર જીત એકની મેચ દાદાલાલ ચાલુ કરાઈ દો દાદાલાલ કોઈ વાત નહી સાંભળશો ને બરાબર ચાલુ કરાવો નહીતર મેચ ચાલુ નહીં થાય ભાઈ ચાલુ કરાઈ દો ભાઈ હવે તમે મેચ ચાલુ કરો નાખાલા ગોપુરા હવે તમે ભાઈ ડિસિઝન આપી તો જલ્દી પડે ભાઈ ફોર કે જાય રમપાર બંને રાજા બહાર આ જાઓ नंबर पीछे अब गेम स्टार्ट होता है 34 तो विकेट का ओवर नंबर तीन भाई बाहर आ जाओ तीन ओवर के खेल में 34 बने पावर प्ले का और आखिरी बचा है 34 पे दो विकेट है या टीम और डीवीडी और डीओलर की भाई चालू कराओ ना चालू करो चालू कराई दो मैच चालू कराओ भाई गांव के भी बाहर उभारे छो भाई અને પેલા બાઉન્ડ્રી ની લાઈન છે કે જે ત્યાંથી દૂર હતો ભાઈ જલ્દી ભાઈ जल्दी भाई हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं नाथालाल प्लीज कृपया चालू कराओ सो भाई चालू कराओ फटाफट आगे जरा बाबा गेम स्टार्ट होता हुआ तुम्हारे विषय आशीष दीवान अपनी बॉलिंग पे सेकंड ओवर अपना मैच कौन बोले के पहुंचे यहां चौथा ओवर पाव लेगा 34 पे दो विकेट है यहां टीम का डेविडी रोड ओवर की तुम्हारे विषय आशीष दीवान अपनी बॉलिंग पे गेम स्टार्ट होता हुआ 34 टू डाउन ओवर नंबर चौथा स्टार्ट होता हुआ तुम्हारे विषय आशीष दीवान अपनी बॉलिंग पे सामने करके युवराज ऊपर पीछे के लिया अच्छी कुंडी कर दिया के ढल के पहले से कुछ किया है सिंगल एक बार मिलता हुआ इन सिंगल के साथ रिकॉर्ड पहुंचा 35 रन की तो चौथा ओवर रहने के 35 टू डाउन जी 35 रन पर दो बल्लेबाज और जो आउट हुए हैं पारी का चौथा ओवर लास्ट ओवर पावर प्ले का गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में किया था दोनों बल्लेबाज ने अपना सुर पूरा किया फिर से अपनी गेंदबाजी में वापस आसिफ दीवान गेंदबाजी करेंगे विशाल मारूफ सामना करेंगे बहुत अच्छा गेंद चंदा ऊंचा गेंद दुनिया बल्लेबाज शानदार गेंद आसिफ दीवान के द्वारा विशाल बारोट ने 41 पे दो विकेट ओवर नंबर पारी का चौथा रनिंग है पावर प्ले कवर है इसके बाद फील्ड में बल्ला 5 अंदर 6 बार हो जाएंगे 169 का पीछा कर रही है टीम का या डेडी लॉन 41 बने दो विकेट के नुकसान में बहुत ही अच्छा शॉट ओवर नंबर पारी का चौथा रनिंग है पावर प्ले कवर चल रहा है जल्दी भाई कॉल आ रहा है जल्दी फटाफट आप जो मित्र ये बाजू रहेला भाई ने विनती के तरह अंदर नाखो भाई कॉल ये बाजू आ रहा है विनती के बराबर अंदर नाखो वो भी अपने पास रखे भाई वो बॉल बाहर गया है वो एक्स्ट्रा कवर में वो साइड पर बैठे भाइयों को रिक्वेस्ट है कि बॉल अंदर पहुंचा है रिवर्सिप 41 दो विकेट के नुकसान में चौथा ओवर पारी का शानदार फिक्सर यहां पे कवर पॉइंट के ऊपर ही चला था बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक कमाल की बल्लेबाजी आसिफ दीवान का जैसे ही कमजोर गेंद मिला टूट पड़े और गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर फेंक दिया छह रन
દુકાન બેસે આ સિગોન દુકાન કા બે દુકાન બેસી કે દિયા દુકાન સિગોન નિકર કરિયો ગેમ દો સિગોન ગેમ થી દિવસ સર ગેમ સર બોલે બા દોનો કે બીચ મે ટક્કર હોતી બહોત હી અચ્છી ગેંદબાજી આસી દીવાન કે દ્વારા જી ઓર સહી બોલા નિકવા આપને ફરી સાથે ગેંદબાજી મે લેફ્ટ આ પાવર आप फिर यहाँ पर रिवर्स इंडिया और गेंद जाएगा कवर पॉइंट डाउन लाइन के बाद चार रन कोई भी क्रिकेटर अच्छा क्रिकेट खेले इससे कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं बन जाना है लेकिन उनमें क्रिकेट का स्पिरिट होना जरूरी है स्पोर्ट्स भावना होनी जरूरी है या बिल्कुल नियम नियम के अनुसार चलना पड़ेगा जो टूर्नामेंट के रूल्स बोलते हैं वो टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए कौन अच्छी बॉलिंग कर बढ़िया गेंद सुपर डिलीवरी 45 दो ओवर दो विकेट चार ओवर का पॉप लेकर प्लेगा फील्ड में बदला पांच अंदर छह बार 45 बने दो विकेट के नुकसान पे चार ओवर के पावर प्ले में चार ओवर में 45 रन दो विकेट के नुकसान पे पावर प्ले पूरा 45 चार ओवर में 45 बने हैं दो विकेट के नुकसान पे 48 गेंदे और 124 रन चाहिए चार ओवर में 45 रन दो विकेट जल्द से जल्द अब स्टार्ट करें मैच को 45 बने 45 दो विकेट के नुकसान पे चार ओवर का मामले कंप्लीट हो अब पांच ओवर की शुरुआत होती हुई 169 का टारगेट का पीछा करिए ग्रैंड फाइनल का जीत के लिए 159 का पीछा करिए टीम देवरी लोन दिवन द्वारा 45 पे दो विकेट है चार ओवर के पावर प्ले में अब ओवर नंबर पारी का पांचवा स्टार्ट होता हुआ दिलीप मैंडिस गेंदबाजी में दिलीप यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए पहुंचे मैंडिस अपने इस बल का पहला ओवर पारी का पांचवा ओवर चार ओवर में 45 हर विकेट पे 500 बाबा की ओर से अजीत बाबा की ओर से हर विकेट के 500 रुपए मैंडिस को मैंडिस आए गेंदबाजी में हर विकेट पे 500 के नाम है मैंडिस के लिए अजीत बाबा की ओर से 45 दो विकेट 45 टू डाउन ओवर नंबर पारी का पांचवा स्टार्ट होता हुआ 45 पे दो विकेट है टीम डेविड इलोन की ओर की दोबारा में जो मैंडिस अब दुकानी का अपने स्पेल का पहला मैच कॉर्नर पर यहाँ पांचवा लेकर पहुंचे सामने युवराज लास्ट स्ट्राइक पे विशाल दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज यहाँ भी सामने बल्लेबाज भी बेहतर है क्या होता है हमारा पीछे मैंडिस अपना पहला ओवर लेकर पहुंचे मैच कॉर्नर पर पांचवा स्टार्ट होता हुआ हमारा मैंडिस अपनी बड़ी बात है सामने के लिए युवराज के लिए और पहली वाइट वाली ऑप्शन से ज्यादा बाहर 46 दो विकेट 46 फुट हर विकेट पर 1000 जय इसराइल की ओर से हर विकेट के 1000 अजीत बाबा की ओर से 500 विकेट के 1500 मैंडिस को 11000 रुपए इस गांव में आलू देवी स्कूल के आलू देवी कामर स्कूल में उन्होंने 11000 रुपए जय इसराइल और विष्णु भाई दिल ने दिए है तारीफे करो का जी हाँ बिल्कुल 46 तो दो विकेट 46 पर टू डाउन ओवर नंबर रनिंग चल रहा है यहाँ पारी का पांच ओवर शानदार ग्रैंड फाइनल का सेकंड इनिंग चल रहा है यहाँ सुना किरण भूमि से दो यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेली का चल रहा है बलिदान क्रिकेट क्लब यूट्यूब चैनल अपर सिंह इंतजार भी है एंड जेपी ऑफिशियल जीकर ठाकुर फॉर्म सुरना के द्वारा और कमाल का शानदार गेंदिंग चल रहा है वहां भी जरूर जाइएगा बहुत ही बढ़िया शानदार यहाँ हमारे लाल जी के गरबा कर गोटे मणालाल की शानदार वाली चाय नमकीन वगैरह वगैरह का भी चेस लेना ना भूले उल्टा थोड़ा उल्टा कर दीजिए उल्टा कर दीजिए जी हाँ उल्टा कर दीजिए जी सामने आ रही तो उसके ऊपर कंबल डाल दो Thank you.
એની પાસે સામે વાળી ચમકાવ છે મંડપ વાળી તમે ગમી નાખશો તો કોઈ ફરક નથી પડવાનો ચાલુ કરાવી દેશે ફટાફટ अब गेम स्टार्ट करवाए भाई 46 पे 2 विकेट 46 पे 2 जल्दी भाई चल से जल्दी अबे चालू करवा साथ में अजीत भाई अब 46 हो चुका है 46 46 हो गया जिया भाई 46 जगह जल्दी अबे चालू करें 46 के दो विकेट 46 के दो दो दोबारा भी छे मैंडी शक्ति वाली बॉल पे शक्ति की उड़ान जो यहाँ पे चल Can see the other beautiful and magnificent success for the Ibraja. Bavan Dhoni Kita 52 down for our team. 50 रन यहाँ पे पूरे टीम बावन रन बना चुका है 50 लगे अभी युवराज के बल्ले से गया चिरा मिड विकेट के ऊपर से पांचवा ओवर बावन बनाए टीम ने अच्छा आज तक युवराज कार्ले के बल्ले से फिर से अपनी गेंदबाजी में मैंडी पारी गया पांचवा कमाल के बल्लेबाजी प्रेशर प्रेशर डाला है दूर बड़ी शॉट खेल के मैंडिस के ऊपर दबाव डाल लिया यहाँ दो सिक्सर के साथ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी जो युवराज कमजोर गेंद के लिए टीम 58 फिर शर्मा गेंदबाजी में भारी बरसी तैयार किया जाएगा सिमारे घर के बाहर चार रनों के लिए युवराज के बल्ले से बाउंड्री 62-62 बहुत अच्छा खेल रहे युवराज और गेंद को निकाल लिया थर्ड में बाउंड लाइन के बाहर चार रन 37 में युवराज जा पहुंचे चार छक्के तीन चौके लगाए 16 गेंदों में 231 का स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी को युवराज दोबारा मैंडी शब्द बॉलिंग पे सामने करके युवराज की गेंद आज बचाव के दौर में नीचे ये लगने वाला 20,000 का आउट अगर वापस गए हैं 1500 रुपए यहाँ पे मैंडी से जीते हैं जिया देखिए क्या पता राहुल अगर वापस गए हैं नए बल्लेबाज धनंजय आए हैं बासर में तीन पांचवा ओवर चल रहा है यह क्या शानदार गेंदबाजी बड़ी विकेट आई युवराज के हाथ में 62 पे 30 रन की क्या युवराज आएंगे वापस मेहंदी ने ब्रेक को दिलाया बहुत ही बड़ी शानदार गेंद वाली टीम जो कि दो छक्के एक चौका खाया फिर भी बंदे का हौसला नहीं टूटा बेहतर गेंद डाली पटका हुआ गेंद डाला और मिड विकेट के ऊपर से इनको आउट किए बहुत ही बेहतर गेंद फॉर्म मेहंदी शाह 62 पे 30 रन की होता और धनंजय ने बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर
ada di kiri, 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 राइट का पावर उधर भी सीखे दिया बैंडेज की लाए चुका नहीं गेंद दिया गेंद पीछे फील्डर है लेकिन दिया ओवर समाप्त शासक टीम की तो पांच ओवर का खेल मुकाबले तेजिया से मैच में बहुत अच्छा कमबैक किया है टीम बिल्लरी ने शासक को टीम की तो पांच ओवर का खेल भी मुकाबला हो चुका है दबाव ये ओवर में रन आए हैं परेश भाई ये ओवर में रन बने हैं जी हां बिल्कुल लेकिन वहां बड़ी विकेट भी आई हाथ में युवराज का बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इसी लास्ट ओवर से देखने को मिली 66 पे थी 103 चाहिए 7 ओवर में 42 गेंद 103 रन स्वीट रखे आर्यन आया है दिन में आर्यन पटेल अपने स्पेल का पहला मैच कौन मरिया आज 56 विकेट पहुंचे 66 पे 3 विकेट लिया टीम का डेविड डीलर की उधर की इतिशा अब 56 ओवर की शुरुआत होती हुई यहां आर्यन पटेल लेकर पहुंचे अपने स्पेल का पहला मैच कौन मरिया 56 ओवर लेकर पहुंचे और सामने करके विशाल बारोटा क्या जबरदस्त गेंदबाजी तीन चार तीनों बड़ी विकेट डकआउट में जा चुके पहले विपुल सिंह वाघेला इसके बाद कुलदीप बारोट और अंत में ईवी को चल रही है 66 के स्कोर पर 3 विकेट डेविड की अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं धनंजय ऊपर भी आर्यन पटेल अपनी बॉलिंग पर विशाल बारोट की गेंद लपेटा सुपर सिक्स फॉर विशाल बारोट 72 फॉर 3 73 विकेट टीम डेविड लोंडी उधर क्या शानदार तगड़ा शॉट था इतिश शॉट अपने फटका के ड्रॉप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को कई तरीके से छेद निकाले हैं बहुत ही आला सिक्सर फॉर विशाल जैसे ही शॉट बॉल मिली थी सही फायदा उठा टीम का स्कोर जा पहुंचा 72 72 में लाजवाब शॉट जैसे शॉट बॉलर के जिना मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर शानदार बल्लेबाजी शेरनों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला था शॉर्ट बॉल भर गया जिला सीमा रेखा के बाहर गया था 72 72 बने हैं दोबारा किया आर्यन पटेल अब दुकान का Then see the standing in the world. Beautiful and magnificent sixer for Vishal Bharocha. Go back to that sixer here. Hitesh Aryan Patel go ahead. Kyaat, Sabadash Ballabadi form of Vishal Bharocha. A cut of team to keep up. दोनों ही शॉट अप लेट गेंद दोनों ही गेंद यहां पे परेश भाई बिल्कुल शॉट रखा था नतीजा भोगना हमारा दो सिक्सर यहां यहां पे बिल्कुल अब ग्रैंड फाइनल खेल रहे हैं और थोड़ा बेहतर गेंदबाजी डालना पड़ेगा अगर ऐसी शॉट गेंद गेंदबाजी करोगे तो यहां बहुत रन पड़ने वाले हैं शानदार बल्लेबाज सामने खड़े हैं विशाल भारत एक क्लासिकल प्लेयर है जिन्होंने पिछली सेमीफाइनल कल एक बेहतर पारी खेली थी और एक नंबर वन बल्लेबाज है और विकेट पर उनको आप शॉट गेंद करेंगे तो रन बढ़ेंगे रन बढ़ेंगे अच्छा करते हैं क्योंकि जा 78 फॉर 3 और ज्यादा शॉट गेंदे ज्यादा छोटी गेंदे अब छोटी बॉल डालेंगे तो दिनोबा मौका बल्लेबाज को मिची फॉरवर्ड बन जाता है और दो दो गेंदे हैं वो आर्य ने बिल्कुल खराब डाली है पहले राइट अब और दिखे जा रहे थे राइट अब राउंड दिखे एंगल चेंज किया आर्य 78 रन बन गए 66 ओवर विशाल बारोट
ऑफ चंपर ज्यादा बाहर वाइड 79-79 परेश भाई ये ओवर रनिंग बोल वाला बनने वाला है जी हां बिल्कुल बिल्कुल आ गया क्योंकि दो ऑलरेडी सिक्सर आ चुके हैं यहां वाइड डाला है अभी चार के दी स्कोर की आने शेष है यहां आर्यन पटेल को समझकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी सोचा समझा चार गेंद डालना पड़ेगा ऊपर पीछे गेंद आर्यन पटेल की तो अच्छी बॉलिंग कर बढ़िया गेंद सिंगल से चुराएंगे सिंगल के साथ एक विकेट पहुंचा है 80 विकेट 803 डाउन फॉर आवर टीम डेविड इलोन भी उधर अच्छा ओवर चल रहा है 80 रन यहां पे गेम बना चुका है 80 बने 89 अभी बनाने बाकी या जिला शॉट एक्स पर और सामने गया तो नहीं बल्लेबाज ने अपना छोर पूरा गेंद मरिया रनिंग बिटवीन द गेंद या ने वो सीधा एक्स का कवर भी सामने गया कवर भी सामने गेंद को बोल गया तो नहीं बल्लेबाज ने अपना छोर पूरा किया था आर्य छठा ओवर चल रहा है दोबारा पीछे आ गया नंबर बॉलिंग करने आई 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 लेकिन क्या छूटा जीवनदार धनंजय को मौका मिला है 81 पे 3 आउट क्या छूटा धनंजय का आर्य फिर से बची हुई गेंद बेहतर डालनी है आर्य को और विशाल बारोट लाइन में नजर आ रहे हैं 23 पे जी हां बिल्कुल दोबारा पीछे आर्य नंबर कौन का पे अच्छी बॉन्डिंग कर बढ़िया गेंद पीछे फील्डर मंसूरी शानदार एफर्ट कमाल का एफर्ट डाला है 100 बढ़िया निशान मंसूरी के द्वारा 83 विकेट 82 पर 3 डाउन ओवर नंबर रनिंग चल रहा है छठा ओवर रनिंग है इसके बाद भी 106 ओवर का और खेलना बाकी है तो ये 6 ओवर तो 6 ओवर बहुत अच्छा खेले है पीछे का 6 ओवर किस प्रकार से खेलते अभी भी 87 रन और चाहिए 37 गेंदों में दोबारा गेंद दिया डॉट गेंद ओवर समाप्त 6 ओवर 82 विकेट अब 36 गेंदें 87 और चाहिए ओवर की समाप्ति 6 ओवर में 82 बने और 6 ओवर में 87 चाहिए 82 बने 87 चाहिए आधा सफर बॉलिंग का पार हुआ है जी हां जी हां बिल्कुल अभी भी 87 रन और चाहिए 37 गेंदों में क्या होता है जल्दी कृपया वसीम को लाना पड़ेगा क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं तब ले आने देखने वाली बात रहेगी शानदार मुकाबला रोमांच है इस मैच में सातवें ओवर की शुरुआत 35 यहां पर गेंदबाजी करेंगे पहला ओवर 35 का थोड़ा महंगा रहा था 1500 रुपए भी उन्होंने जीते हैं और सातवें ओवर की शुरुआत 6 ओवर में 82 पारी का सातवां ओवर 35 गेंदबाजी करेंगे 87 चाहिए राइट आर्म ओवर आधा मौका
कमलेश मोदी की ओर से 500 रुपए 35 को कमलेश भाई मोदी की ओर से भी 500 रुपए बहुत ही अच्छा गेंद डाला और विशाल को चलते किए शानदार मिड ऑफ के खेल मिड ऑफ फील्डर आशीष दीवान के द्वारा बहुत ही अच्छा कैच लो फुलटस गेंद डाली थी तेज और बड़े शॉट का प्रयास में अपना विकेट गवाया विशाल गौरव ने 82 गेंद पे 4 विकेट की चौ बिल्कुल आ रहे हैं चार बल्लेबाज आउट विकेट यहां पर निकाला वहां भी अच्छा कैच राइट आर्म और विकेट लेके बात करेंगे बड़ा विकेट फंसाया है शानदार कैच दबका आउट होकर वापस फिर से गेंदबाजी में जाएंगे दोबारा गेंद यहां ऊपर चिपक गई और बढ़िया गेंद रन में को जापानी उधर की तरफ को शॉट चल रहा है 82 को 4 विकेट 82 फोर विकेट डाउन फॉर टीम डेविड लोंडी उधर 82 पे 4 विकेट है दोबारा भी शेफ एंड शॉट वाली बाबे सामने करके निकुल दोबारा गेंद निकुल के लिए भाई कौन से इधर गेंद कौन शानदार गेंद कमाल का गेंद बॉडी शानदार गेंदबाजी थी क्या शानदार दब्बे किया और जो खतरनाक गेंदबाजी मेंडिस के द्वारा लाजवाब एक बड़ा विकेट विशाल मारुर का उन्होंने फंसाई और सच्ची गेंदबाजी कर रहे मेंडिस सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ा 83 83 रन यहां पे टीम बना चुका है धरन के सामना करेंगे दोबारा गेंद यहां कमाल का गेंदबाजी को मेंडिस के द्वारा पहला ओवर खर्चिला साबित हुआ था हितेश और इस ओवर के अंदर सिर्फ एक रन खर्च किया है विकेट भी चढ़ गया है बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी को मेंडिस के द्वारा फिर से अपनी गेंदबाजी में धनंजय सामना कर रहे हैं मेंडिस की गेंद का कमाल का ओवर यहां पे मेंडिस का सिंगल के लिए गए हैं धनंजय एक सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ गया 84 31 गेंद पर 85 चाहिए वापस आए गेम में यहाँ पे या बिल्कुल अभी रिक्वायरमेंट 16.45 का हो चुका है मुश्किल जैसी गेंद भी तो जाएगी वो 16 वाला 17 18 ऐसे ही चलता जाएगा दोबारा पीछे के लिए कितना अच्छी बॉल निकल गई गेंद ग्राउंड को जाता नहीं ओवर समाप्त 7.84 चार विकेट का बड़ा बेहतर ओवर डाला है मेंडिस ने सिर्फ 2 रन दिए 2 रन और विकेट दिया हितेश कमाल का गेंदबाजी अभी अच्छा हो रहा है 7 ओवर का खेल पूरा 7.84 पे 4 अब 5 ओवर में 85 रन चाहिए 5 ओवर में कमाल की वापसी मेंडिस का ओवर में अच्छा रनिंग पॉइंट बना है खतरनाक वापसी की है बहुत ही अच्छा कम लग गया फील्डिंग टीम के द्वारा बेहतरीन कमबैक 5 ओवर 85 बना रहे हैं और आ रहे हैं फिर से कंटिन्यू 30 में 85 चाहिए 30 गेंदे 85 चाहिए इतने से मुश्किल है यहाँ से मुसीबत हो सकती है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है क्रिकेट है क्रिकेट अनुचितता होगा बड़ा खेल प्रेडिक्शन फेल कुछ भी हो सकता है इंतजार करना पड़ेगा आर्यन पटेल सेकंड ओवर अपना मैच को नंबर यहाँ 8 वाले पर पहुंचे सामने करेंगे डीजे आर्यन जी अच्छा शॉट और गेंद सीधी यहां पर की इशारे की प्रतीक्षा रहेगी वन मोर शॉट बाउंड्री अरे अब धनंजय के बल से फुल 10 बने कर फुल 10 पर लेकर खेला था नहीं दिया 81 आर्य का फुल 10 बदल के गिरा मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर निकल गया चौका एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड लाइन के बाहर गया था लाजवाब बल्लेबाजी 88 कमजोर गेंद मिली थी सही फायदा उठाया था धनंजय ने चौका आर्य फिर से अपनी गेंदबाजी में वापस अच्छा बॉल फुल दस लेके खेला रहा है क्या मौका है
डायरेक्ट हिट लग चुका, खतरा बन सकता था। क्या जबरदस्त चीते की रफ्तार, बिना राजपूत पहुंचे और अगर डायरेक्ट उड़ होता तो शायद बिल्कुल विकेट हो सकती थी। हितेश शाह जाना पड़ता धनंजय को, शानदार थ्रो था, तेज थ्रो, बेहतरीन फील्डिंग अभी बिलाल राजपूत के द्वारा, तेजी के साथ गेंद पर आए थे। 89-89 रन, अच्छा रनिंग की जोने की दोनों बल्लेबाज के द्वारा 89 बने हैं। दोबारा पीछे की दिया आर्यन पटेल की, और आशार कर रहा केंद्र शेयर नहीं यहाँ पे लाजवाब शॉट फॉर्म निखिल भाई पंचांगनी गोल के बल्ले से थे। कमाल का शॉट पैटर्न क्रिकेट डाली थी, लो बुलडोज का कैरफुल फायदा उठाया, गेंद को फ्लैट सिक्सर निकाली स्पिनर लेकर और पेडू के बाउंड्री के ऊपर छी। दोबारा आर्यन पटेल अपने बॉलिंग पे सामने करेंगे निकुल, गिना है लेकिन शिव चौहान एक और चार मिलते हुए बाउंड्री 99-4 में की था डेविड रन दिया था 99-4 डाउन। अब 26 गेंदे हैं, अभी भी 70 रन और चाहिए, 70 चाहिए, इतना मुश्किल तो है यहाँ से भी। सही बोला, लेकिन यहाँ पे ओवर राइड का बहुत ही महंगा परिचय, शानदार शॉट प्रहार और बीच में लेकर खेला, गेंद जाएगा पे लॉन्ग ऑफ निशान में, बेहतरीन फील्डिंग और एक सिंगल के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। एक सिंगल के साथ सौरन पूरे 100 सौरन पूरे, या शानदार ई ओवर घटता हुआ, इस ओवर के अंदर भी दो चौकी एक छक्का भी आया, एक सिंगल भी आया है, 104 विकेट अभी भी 25 के दो सत्तर चाहिए, 25 बॉल आए 69 तो इन बाय डेविड डॉग। दोबारा भी आ रही है पटेल अपने बॉलिंग पे सामने करेंगे डीजे, एक और अच्छा शॉट पीछे फील्डर है निशान मंसूरी, एक सिंगल मिलता हुआ इन सिंगल के साथ 101-4 111 चार विकेट 8 ओवर का खेल को बदल 24 गेंद में 68 रन चाहिए, 24 गेंद में 68 51 शुरू में जयेश भाई की ओर से, 51 शुरू में विष्णु भाई भिड़ी की ओर से, 35 को 500 रुपए बाबा की ओर से, 1000 एक विकेट लिए जयेश भाई की ओर से 35। और बार अच्छा स्कोर बिलाल, और गेंद जी मारेगा के नजदीक से रोका है, फ्लाई बढ़िया बिलाल के द्वारा, 5 रन बचाए हैं, बेहतरीन फील्डिंग होगा है, खतरनाक फील्डिंग है बिलाल की, फ्लाई बढ़िया 102 मुश्किल था, बेहतरीन यहाँ पे बिलाल के द्वारा छप लगाया था हवा में और रोका है, फिर से गेंदबाजी ने वापस के द्वारा 103 बने हैं, ऑफ स्टंपर बॉल ये ओवर अच्छा होना जरूरी है दोनों टीमों के लिए, बेहतरीन गेंद चुके हमारे पास, शानदार गेंद राइट आर्म और विकेट 35 बाउंड्री 107 बना लिया है, 22 गेंद और 62 चाहिए, जी हाँ बहुत ही बढ़िया, 22 गेंद और 62 की अभी भी दरकार है, यानी कि रिक्वायरमेंट 16.91 का, मुश्किल तो यहाँ से भी अभी भी है, 22 गेंदे 62 पे भी
देखना पड़ेगा क्या होता है दोबारा भी चेंज पैंटी शब्द बोलने का पे निकल के गेंद बाउंड्री भी गया है बिल्डिंग है खेल बचेगा 57 रनों की अभी भी दरकार है अरे शुगर की अभी दो गेंद बची अगर यहाँ दो बड़े जाते हैं तो मैच बनेगा 40 के नीचे 57 बनाने हैं बहुत अच्छा गेम यहाँ पर फुल टॉस में लेकर खेला बिलाल राजपूत और नायरे की लग चुका है नायरे की भी यहाँ पे नॉट आउट यह नॉट आउट नेशन है 112 पे चार की टॉप बहुत ही अच्छा थ्रो था यहाँ पे तारीफ करूंगा बेहतरीन फील्डिंग बिलाल लाजवाब फील्डिंग वन लेफ्ट आखिरी गेंद बाकी है 19 गेंद में 57 चाहिए दोबारा भी चाहिए पैंटी शब्द बनी भागे फिर से गेंद और डॉट गेंद डॉट गेंद अब 18 गेंदे 57 चाहिए हितेश अब मुश्किल 18 गेंदे 57 आसिफ को ले आते हैं नहीं गेंदबाजी में देखने वाली बात रहेगी आसिफ दीवान तो क्या जयेश भाई के एक वाकार बॉलर है और 18 गेंद 57 चाहिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रोमांच रसाकसी बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर रोमांच आया मैच में तारीफ करूंगा स्पीड रखे 57 बनाने हैं 18 गेंदे तारिका ओवर यहां पे स्टार्ट होने जा रहा है 10वें ओवर की शुरुआत देश मोदी बैच नहीं रहे वो बिल्कुल इधर इधर घूम रहे हैं इधर जा रहे हैं मैच ऐसा बना है जी बिल्कुल क्योंकि टफ मैच बना है अभी भी 18 के 57 रन की दरकार है 112 पे 4 विकेट है यहाँ अब गेंदबाजी में पहुंचे यहाँ आसिफ दीवान का आखिरी मैच रन को लेकर पहुंचे यहाँ 10वां क्या भी अच्छे गेंदबाज लेफ्ट आर्म शानदार गेंदबाज लाजवाब गेंद यहाँ मैदान ओवर डालते तो 1100 रुपए जयेश भाई की ओर से मैदान ओवर डालते तो 1100 जयेश भाई की ओर से 2100 मैदान ओवर के लिए है ये मैदान ओवर के 1100 विष्णु भाई की ओर से दोनों की ओर से 2100 क्या 2100 दिनेश भाई की ओर से 1100 1100 दिनेश भाई की ओर से क्या बात है विकेट का तो 500 रुपए 500 अजीत भाई बाबा और 1000 जयेश भाई की ओर से विकेट के सुबह बेच के लिया आज पर बड़ा शॉट और के सीधी बार की 6 रनों के लिए सुपर सिक्स कर चुके हैं निकल के बल्ले से 6 118 चार विकेट 118 फोर डाउन हैट्रिक कर का तो विहर आइसक्रीम की ओर से 5100 रुपए विहर आइसक्रीम 5100 रिवर स्वीपर या में निकल के बल्ले से 6 रन आसिफ दीवान का शॉट बॉल का रिवर स्वीप दोबारा भी आसिफ दीवान ने दोबारा भागे निकल के लेके अंदर एक अच्छी बॉडी काम करिया गया जैसे कि कह रहे हैं प्रयास किया था लेकिन इस दफा सिंगल मिलेगा 119 से 4 विकेट की चौ डेविड डिलोन की ओर सोलह गेंदे 50 चाहिए
16 गेंदे 50 चाहिए, ये ओवर तय करेगा। इस ओवर के अंदर रन नहीं नहीं निकले तो फिर मुश्किल। कुमार जी के लिए, धनी जी के लिए और नेक्स्ट प्रतीक्षा के वाइंड अतिरिक्त के साथ और 120 चार विकेट 124 डाउन। मैंने नंबर डाल दिया तो भूरा भाई विलेज बॉल की और सभी 1100 रुपए जी हां। कौन आया उसका? इसका कॉल आया भूरा भाई विलेज बॉय 1100। आगे वाला मेडल डाल दे दो भगवान के सियासी को दोनों बाद में गॉड गेंद, गॉड गेंद 120 चार विकेट। बहुत ही अच्छा गेंद यहाँ पे चुके बल्लेबाज गुप्तन और बबल का खाने के बाद बाहर निकला था। चुके बल्लेबाज बेहतरीन गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद डाला था। कट ओवर गेंद बाहर निकला, फिर से अपनी गेंदबाजी में वापस आसिफ दीवान। तारीफ करूंगा यहाँ पे टोटल ये गेंदबाज के 1500, मेंडिस के 3,045 टोटल हुए हैं। तारीफ करूंगा, आउट हो जाएंगे। ओ देश भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नया बल्लेबाज आएगा वो स्ट्राइक पर रहेगा। नया स्ट्राइक का बल्लेबाज तो मुन्ना भाई का बल्लेबाजी में आगमन हो रहा है। पटाखे फूट रहे, आतिशबाजी हो रही है। मैच में रोमांच आया, खतरनाक क्रिकेट, निशान क्रिकेट। तारीफ करूंगा मोदी जल्दी भाई। कमेंटर हमारे चाइनास्ते के लिए बैठे हैं क्योंकि ठंड जाना है। अच्छी कमेंट्री यहाँ आपको सुनने को मौका मिला और जो आमंत्रित किया मुझे भरपूरम भाई और सुराना ने, दिनों बार सभी मेहमान के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं। आसिफ दीवान अच्छा गेंद यहाँ पे, कमाल का गेंद, डॉट बॉल 120 के बाद 13 गेंदे और 49 सही है। 13 गेंदे 49 फिर से तुम्हारे के लिए मोदी साहब ना कुछ है दूसरा कैच होता है इसीलिए जल्दी भाई। तारीफ करूंगा और 12 गेंदे 49 चाहिए, 12 गेंदे 49 जयेश भाई जो के काफी खुश लग रहे हैं। दो ओवर में 49 बनाने हैं, दो ओवर में 49 रन चाहिए, 12 गेंदे 49 विष्णु भाई भी खड़े हो गए हैं। विष्णु बिजली इसका भी रमेल में जाना है, लाइव रमेल जी जल्दबाजी। ओके 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 देसो देसो ऐसा तो आज मेहमान बनी जाओ। आर्य आज दर बल्ले का महारे की नारा निकल गया
1500 रुपए यहाँ पे आए हैं, 1000 जयेश भाई और 500 रुपए अजीत भाई की ओर से। तारीफे करूंगा बल्ले का मौज में मजे में बलिदान में तो जयेश भाई भी अलग है, अजीत बाबा भी अलग है, दियोदर में दो टीमें आई है, एक तरफ बाबा खेलते होंगे एक तरफ जयेश भाई खेलते होंगे जी। कल नहीं परसों मैच है, क्या बात है। और यहाँ भी दोनों अलग अलग खेले थे, बाबा का टीम था क्या बात है। बाबा और दोनों एक टीम में नहीं, लेकिन बैठते एक ही साथ जी। हाँ बिल्कुल, खेलना पसंद एक टीम में नहीं है, अलग अलग जाते हैं जी। निहुल का भी एक ओवर बाकी है, अब आए योगेश 11 के अंदर 49 योगेश 49 बल्लेबाज दूर में आ रही है, चले हवा में गेंद और दियोदर के जीत के लिए भी 4 रनों के लिए बाउंड्री। नितेश शाह 11,000 के नाम है, दियोदर जीतता है तो ये तो आइसक्रीम जोर से दियोदर जीत, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि 10 के अंदर 45 चाहिए जी। हाँ बिल्कुल, ये तो आइसक्रीम जोर से इनाम घोषित हुआ है लेकिन मुश्किल है। अपने स्पेल का आखिरी पारी को नंबर लेकर पहुंचे यहाँ 11वां सामना करेंगे योगेश योगेश के लिए Yogesh out, 7-9 from the other David Ilan, 124, 7 wicket down. Shandar game dala tha, 124 ke score par shatma jatka, out ho jayenge, wicket ka patan, ab 8 game de aur 45 chahiye. जी 8 छक्के मुश्किल है, फिर भी बिल्कुल यहाँ मैच ने मजबूत पकड़ बना लिया है। राहुल आए हैं दियोदर जीतना तो जानकी मोबाइल की ओर से संजू भाई की ओर से 21,000 के साथ एक पहुंच है 125 सात विकेट ओवर नंबर रनिंग चलिए 11वां जय गुगा इलेक्ट्रिक भावेश भाई की ओर से 21,000 दियोदर जीतना है तो अब 7 गेंदे हैं, 44 चाहिए या जीतने के लिए 7 बॉल एंड 44 चाहिए तुम्हारे आर्य बड़े लगन वाली भावे अच्छी तुम निकल दिया गेंद सिंगल निकल मिलता हुआ ओवर समाप्त 11 और 126 सात विकेट अब 6 गेंदे 43 चाहिए 43 चाहिए और 6 गेंद जाकर फिर शिक्षा ने 11 रन आमंत्रित फिर में बिल्कुल बीच में का कार पर आ गया है शानदार अब हसीन आए हैं गेंदबाजी में वसीम जीत रही बहुत ही शानदार हमारे दो यूट्यूब चैनल के ऊपर और 38 बाजी का सामान लेकर पहुंचे यह टीम खिलाड़ी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा वसीम आए हैं जिया जिया बिल्कुल जिया 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 आखिरी ओवर डालने के लिए 6 गेंदे हैं और 43-42 चाहिए और एक बार 6 निकाले हैं 137 सात विकेट 5 गेंदे 36 चाहिए 5 गेंदे 36 बना रहे हैं वसीम का जैसे ही कमजोर गेंद मिला था 6 रन यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी साइड में रहे भाई साइड में रहे या बिल्कुल जश्न की तैयारी कर रही है तीसिया भिंगरी पूरी तरह से तुम्हारे के लिए
राहुल के लिए एक बार अच्छी फॉल लेकर बढ़िया गेंदा ब्रांड को इजाफा नहीं क्या सिंगल मिलेगा इन सिंगल के साथ 135 या 7 विकेट तो 135 से 1 विकेट डाउनगा अब आखिरी तीन गेंदों का शेष खेला रखना बाकी बहुत बढ़िया जश्न की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ हितेश या बिल्डर 11 के द्वारा जश्न की पूरी तैयारी है जीत की ओर जाता हुआ बिल्डर 2023 आलू देवी नाइट सोना का चैंपियन खिताब के नजदीक पहुंचा है सामने सामने खेलती जाए सामने खेलती जाए जयेश भाई सामने से हटा दे क्योंकि कमेंट्री के सामने बिल्कुल सीखे दिया एक और अच्छा गेंदा अब अंतिम बॉल मारेगा आखिरी वाइड है वाइड है क्या वाइड का इशारा आता हुआ सामने से हट जाइए दो गेंदे रन चाहिए एक मिनट बाकी है तीन गेंदे बाकी है अभी रुकिए थोड़ी देर जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल दो मिनट दोबारा गेंद एक बार अच्छी फॉलिंग कर बढ़िया गेंद अब दो गेंदों का खेलना ना बाकी टू बॉल लेफ्ट दो गेंदे 37 चाहिए 32 चाहिए दोबारा पीछे वसीम अब दिवानी बाबे एक और अच्छी फॉलिंग बढ़िया गेंद अब अंतिम बॉल मारेगा आखिरी गेंद उधर भी चल गया वसीम अपनी वाली बाबे अंतिम बॉल मारेगा आखिरी लेकर आए हैं कंपनी बॉक्स तक वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशन फॉर टीम वेल प्लेड कांग्रेचुलेशन फॉर डी 11 डी ओनर भी हेलो एक शेर लगा देते हैं जैसे कि जो टीम जीती है मैं कहूंगा आज शाम के जगह कल पहली लाइट चालू कर दो तो पहली लाइट चालू कर दीजिए हां मैं कोई नड़ती भाई आज क्या थोड़ी खाली छोड़ा जो आपने कॉमेडी बॉक्स ने आगे लीजिए क्या खाली करा दीजो क्या क्या आपने ट्रॉफी नो वितरण करवाना उसे चैंपियन ट्रॉफी रनर साहब मैन ऑफ द सीरीज मैं बेस्ट बॉलर बेस्ट बल्लेबाज सीरीज का बदन है आपने ट्रॉफी नो वितरण करवाना उसे એટલે આ જગ્યા ખોલી દેજો ભાઈ હા બેસી જાવ ચાર છે થોડા દૂર રહી આ જગ્યા ખાલી રખાવો ભાઈ આ જગ્યા ખાલી કરાવજો આગળની જગ્યા બિલકુલ બિલકુલ
थोड़ी दूर से क्या कराए दीजिए भाई, जल्दी भाई, अभी अजीत अजीत थोड़ी दूर वधारे रख दो, अरे पतली टीम आई जाए भाई, डेविड इलेवन पर आई जाए, अरे फिलरी पर आई जाए, बनने टीम आई जाए, कॉमेडी बॉक्स से आगे बनने टीम आई जाए, यार कैप्टन हो ना बनने टीम आई जाए, जय मोदी और डेविड डिओडोर स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट के हमारे, जय मोदी प्लीज बनने टीम आई जाए भाई, बनने टीम आई जाए, कॉमेडी बॉक्स से आगे आए बनने टीम, कृपया भाई जगह करो, इल्ले हमरे के मान लो तकलीफ ना रहे, जगह करी दो थोड़ी, अजी अजी जगह करो, जगह करो, जगह करो, इल्ले मजा आवे, अजी खोली जगह करी दे, जो सागर गुला भाई ने विनती ये थोड़ी जगह करो, इल्ले इनाम आप तकलीफ, अजी साइड में थोड़ी जगह रखाओ, जगह रखाओ, सो बड़ा बेसी जाओ तो सारो अति सुंदर, बड़ा बेसी जाओ, आलू माने शोगा ना जगह ना छोड़ो, तो आलू माने शोगा ना, अजी भोगले, अजी भोगले, अजी 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 थोड़ा, और बनने टीम आई जाए भाई, बनने टीम डेविड इलेवन और बेलरी, डेविड इलेवन और बेलरी बनने कैप्टन टीमों साथ आई जाओ बनने, और डेविड इलेवन के एक प्लेयर आ जाए जो कि शील्ड के साथ सम्मानित करना है, डेविड इलेवन का सारा प्ले इलेवन, धनंजय त्रिवेदी प्लीज कम, डीजे नरेश धनंजय, धनंजय प्लीज कम 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 कम, जी हाँ डेविड पहुंचे, कप्तान कवर हितेश, विशाल बारोच, कुलदीप बारोच, कमल भोजक, युवराज, निकुल पटेल, योगेश व्यास, उर्फ बूढ़ी, विपुल सिंह वाघेला एंड राहुल, आई जाए जल्दी, अब यहाँ बिल्ली के भाई डेविड वाला आई जाए, डेविड वाला जेकर नाम बोला एक, क्या ये बता खिलाड़ी वाले आई जाए, हम जो आखिरी टीम आई जाए, आखिरी टीम आई जाए भाई, धनंजय त्रिवेदी डेविड भाई सारी टीम को लेकर पहुंचे, जब सारा टीम पहुंच जाए, शील्ड पहनाना है, आई जाए भाई, विपुल सिंह, विशाल बारोट, कुलदीप बारोट, कमल भोजक, युवराज, निकुल पटेल, मुन्ना भाई, योगेश व्यास, राहुल राहुल, विपुल सिंह वाघेला, निकुल पटेल है, निकुल पटेल, योगेश व्यास, राहुल राहुल, राहुल कुलदीप बारोट पहुंचे, जल्दी भाई जल्दी फटाफट, अब यहाँ बिल्डिंग की मैंडिस प्लीज कम, मैंडिस मैंडिस जगह राज थोड़ी, निशान मंसूरी
निशार मंसूरी, बिलाल राजपूत, बिलाल राजपूत, बिलाल राजपूत है, निशार मंसूरी, मंसूरी प्लीज कम, आसिफ दीवान, आयो आई जय जो बिल्डर प्लेयर आई जय जो बंदे बंदे ना आई जय जो दिलीप ठाकुर आर्य पटेल नरेश चौधरी मोंटू पटेल मेहुल प्रजापति वसीम अमर ठाकुर થોડી દૂર રહેજો ભાઈ મજા આવે હવે આપણે પુરસ્કાર એનાઉન્સ કરવાના છે आज के ग्रैंड फाइनल के मैन ऑफ द हीरो है आर्य पटेल प्लीज कम आर्य पटेल या मैन ऑफ द मैच है फाइनल मैन ऑफ द मैच है या आर्य पटेल बेस्ट बल्लेबाज का खिताब जाता है विपुल सिंह वाघेला फ्रॉम थोड़ा प्लीज कम बापू पतली डाल मत पकड़ पतली मत पकड़ बेस्ट गेंदबाज दिनेश ओगलपुरा लवली प्लीज कम लवली सात विकेट लवली आ जाए लवली उनका साथी टीम पार्टनर आ जाए आगे दिनेश को जाए दिनेश ओगलपुरा बेस्ट गेंदबाज बहुत ही बढ़िया शानदार टूर्नामेंट है दिनेश के लिए लोकल हीरो यहाँ के हैं हमारे ओगलपुरा टूर्नामेंट ऑफ द बेस्ट कैच फ्रॉम कमलेश निशा फ्रॉम माधवी लोन माधवी लोन जी कमलेश टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज फ्रॉम मेंडिस हाँ जी आगे नहीं तो बस है आगले पहले तो जब जयेश कप्तान बैच है साथ में जयेश मोदी रहेंगे जयेश मोदी भी साथ में रहेंगे आयोजक के साथ राणा सब कप्तान पहुंचे राणा सब कप्तान डेविड इलेवन डी अदर कैप्टन है आई जाओ डेविड
एक ही मिनट एक ही मिनट झटका जा रही है जय खड़ा हो जाओ फोटो वही आदमी लुंगी छोड़ दिया आदमी जमा नहीं है डेड प्लीज स्टॉप ब्रह्म और गेंद ट्रॉफी ले लो पैसे ला लो क्या 11000 रुपया और ट्रॉफी क्या जनकपुर गौतम पुरस्कार देंगे यार देवी ने उनकी उधर को वेलकम डेविड ले डेविड तुम्हारा को फोटो पाड़ो फिर अब बाजार दानो फोटो पाड़ो चाइना से पाको चाइना और आइको करे दानो बाकी आ जाना चालू रख तैयारी किया जाना ये खाली ट्रॉफी दारू ना एक तरीके जनता ए जनता अरे पर्सीवा जाएगा थोड़ी जगह रख दो भाई थोड़ी जगह रख दो ए भाई जगह रखो ओके हमरे दो हां ना वो Winner, champion trophy of Jais Modi Pillari 2023 Arutini Nai Surana जिया और जयेश भाई का सम्मान भी करना चाह रहे युवा सुनना युवा मंडल और चैंपियन ऑफ 2023 आलू देवी नाई सुनना फ्रॉम मोदी लाल पिलरी और सम्मान करना चाह रहे जिया मोदी साहब का समस्त जिया और सुनना युवा मंडल जी हां और सुनना युवा मंडल साहब का सम्मान करना चाह रहे हैं मोदी साहब को प्लीज कम जय मोदी जी उन्होंने बहुत शानदार इनाम भी घोषित किया है इस टूर्नामेंट के लिए और 2023 का अंतिम खिताब गया है या टीम का मोदी ने बिल्ली के नाम हेलो जयेश भाई मोदी का स्वागत हो रहा है तुम बोलो सुराणा योग मंडल द्वारा जयेश भाई मोदी ने स्वागत कर रहे आलो माता को खूब खूब आवे खूब खूब धन आपे ए डॉक्टर बाबा करे खूब खूब धन आपे हमने खूब खूब धन आपे अरे आईपीएल सारी हुई न्यू जयेश भाई को आईपीएल सारी न्यू लड़ो गौतम